नमस्कार वेलकम टू वेदर इससे पहले की क्लास में हमने एक से लेकर इकतीस तक क्वेश्चन कर लिए थे यूपीएसआई के अब हम आगे बत्तीस से लेकर प्रयास करेंगे कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का लेकिन जितना भी हो जाएगा उतना सॉल्व करते हैं तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है थर्टी टू दिया कि एक अनुबंध को नब्बानवे दिनों में पूरा किया जाना है बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटे काम करते हैं छाछठ दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का सात चार बटा सातवां भाग पूरा हो पाया पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान्य कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम क्या हो समय पर पूरा हो जाए यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन कितना अट्ठारह घंटा काम करता है तो देखिए बांधे आज दिनों में क्या है काम को पूरा होना था बराबर काम कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को जिनकी इफिशियंसी मान लेते ई है बराबर इनकी इफिशियंसी रही है कितने घंटे काम करते थे 16 घंटे छाछठ दिनों के बाद क्या है कि यह पाया गया इनको इतने दिन में क्या है काम को कंप्लीट करना था लेकिन हुआ क्या छाछठ दिनों के बाद देखा गया कि 260 व्यक्तियों के द्वारा 16 घंटे प्रतिदिन काम करने के बाद अब समान कार्य क्षमता है तो चलो कोई जरूरत नहीं लिखने की फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ चलिए चार बटा सात भाग ही पूरा हो पाया है तो हमसे पूछा है कि पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की का समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्ति हम मान लेते हैं टोटल अब व्यक्ति यक्स हैं जिसमें कुछ अतिरिक्त व्यक्ति जोड़े गए हैं और अब अट्ठारह घंटा काम करते हैं ठीक है तो प्रत्येक प्रद्योगी तैनात तो किए ताकि काम समय पूरा हो तो छाछठ दिन काम हो चुका है बानवे दिन में काम पूरा करना है तो कितना दिन हो जाएगा कितने लोगों को छब्बीस लोगों छब्बीस दिन और बचा है कार्य क्षमता अभी भी समान है अब कार्य पूरा हो जाने का मतलब चार बटा सात काम पूरा हुआ था तो तीन बटा सात काम और पूरा हो जाए देखिए सात से सात कट जाएगा ठीक है छब्बीस हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा दस सॉल्व करते हैं अब यहाँ से देखो तीन छ अट्ठारह छः से काट देंगे तो ग्यारह ठीक है चार से काट देंगे सोलह तो कितना हुआ चार सौ एक बराबर चार सौ चूँकि हमने इसमें क्या अतिरिक्त है तो पहले कितने व्यक्ति काम करते थे तो दो सौ साठ अभी कितना हुआ चार सौ यानी कितने व्यक्तियों को जोड़ा गया एक सौ चालीस ठीक है एक सौ चालीस कोई ऑप्शन नहीं है कैलकुलेसन ठीक है ग्यारह छक्का छियासठ तो ग्यारह छः चौवालीस चार सौ चौवालीस चार सौ चालीस चार सौ चालीस में से अगर दो सौ साठ घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बीस और ऐड हो जाएगा एक सौ चार सौ चालीस और दो सौ साठ चालीस और साठ यानी अस्सी और जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन श्रेया एक काम को एक दिन छः घंटे में पूरा करती है पूरा कर सकती है और सुविधा उसी काम को दो दिन बारह घंटा में पूरा कर सकती है अगर वे एक साथ मिलकर काम करते तो पूरा काम करने में के लिए कितना समय लगेगा तो क्या दिया हुआ कि श्रेया किसी काम को एक दिन छः घंटा एक दिन में कितना चौबीस घंटा चौबीस से तीस घंटे में काम करती है अश्रद्धा उसी काम को कितने समय में करती है दो दिन बारह घंटा यानी कितना दो दिन का मतलब चौबीस दो दिन अड़तालीस और प्लस बारह यानी साठ घंटा ठीक है, है? तीस और साठ का ले लोगे साठ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा दो और एक दो एक तीन तीन वोटा साठ मतलब साठ वोटा तीन है नहीं बीस घंटा आनंद और रवि एक काम को बारह दिनों में पूरा कर सकते हैं रवि और चिनमय क्या दिया आनंद और रवि किसी काम को बारह दिन में रवि चिनमय सोलह दिनों में, में पूरा कर सकते हैं जबकि चिनमय और आनंद अड़तालीस दिनों में पूरा कर सकते हैं रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ठीक है इनका एलसीएम ले ले लेते हैं एक सौ चौवालीस तो बारह बारह हम एक सौ चवालीस सोलह नौ और अड़तालीस तिया तो तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बारह नौ इक्कीस तीन चौबीस ये चौबीस क्या आ गया दो गुना एक बार सब देखिए नंबर दो दो बार जुड़ रहा है आनंद का दो बार क्षमता जुड़ रही है रवि की दो बार क्षमता जुड़ रही है और चिन्मय की दो बार क्षमता जुड़ रही है तो दोनों दो बात मतलब इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी इसका आधा में यानी ए रवि मतलब आनंद रवि और चिनमय की क्षमता कितनी हो गई बारह ये जो क्षमता आई थी कितना हो गया रवि आनंद और चिनमय की दोगुनी क्षमता थी, थी तो एक क्षमता थी बारह तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में रवि की अकेले तो देखो चिनमय और आनंद की क्षमता कितना है तीन तो चिनमय और आनंद की क्षमता यहाँ से निकाल देंगे तो रवि की क्षमता कितनी आ जाएगी नौ तो जब नौ क्षमता है पूरा काम एक है तो कितने दिन में करोगे करेगा ये सोलह दिन में कौन सा आंसर हो जाएगा बी अगला क्वेश्चन अमीन भाषा और चीज एक काम को क्रमशः नब्बे चालीस और बारह दिनों में कर सकते हैं लेकिन वे तय करते हैं कि एक ही एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में दो सौ रुपया प्राप्त करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करें दिया है कि अमीन बासा और चीज किसी काम को क्रमशः नब्बे चालीस और बारह दिनों में कर सकते हैं लेकिन वे तय करते हैं कि एक, दि, एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा ठीक है यानी अल्टरनेट भी काम करेंगे पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा तीसरे दिन, दिन सी करेगा यही हुआ ना तो एलसीएम क्या होगा इन का एक सौ अस्सी ले ले एक सौ अस्सी पे चालीस नहीं कटेगा तो तीन सौ साठ कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा चार ये कितना हो जाएगा आपका तीन सौ साठ है ना तो नौ बारह तेईस छत्तीस यानी तीस हो जाएगा अगर हम तीन दिन का काम देखें अमीन बासा और चीज का तो कितना हो जाएगा चार नौ तेरह तीस तिरालीस तीन दिन में क्या तिरालीस यूनिट काम करते हैं पूरा काम कितना करना तीन सौ साठ तो कितना सात या आठ आठ दिन तक देखते हैं कितना काम हो जाएगा आठ तक चौबीस आठ सौ बत्तीस बत्तीस दो चौंतीस यानी कितना आठ दिनों में तीन सौ चौवालीस यूनिट काम हो जाएगा अभी कितना बचा है सोलह यूनिट काम और करना बचा हुआ है तो देखो तो तीन दिन का पेयर लिया तो हमने मतलब पूरा दिन अभी कितना हो गया आठ गुढ़े तीन कहोगे चौबीस दिन बीत चुका है अब देखो सोलह काम बचा है पच्चीसवें दिन ठीक है अमीन काम करने आएगा चार यूनिट काम कर लेगा छब्बीसवें दिन भाषा काम काम करेगा तो नौ यूनिट तो देखो सोलह यूनिट बचा हुआ है तो नौ और चार अभी कितना तेरह यूनिट हो चुका है अब केवल कितना तीन यूनिट बचा है अब किसकी बारी है चीज की बारी है तो चीज़ एक दिन में क्या है तीस यूनिट काम करती है तो तीन यूनिट वर्क कितने समय में कर देगी अगर एक दिन में वह तीन यूनिट काम करती है ठीक है तो तीस यूनिट कितना समय लगेगा उसको करने में सॉरी एक यूनिट एक दिन में वो तीस यूनिट काम करते तो तीन यूनिट काम करने में उसको कितना समय लगेगा आप कहोगे गया तीन बटा में तीस ठीक है यानी एक बटा दस दिन लगेगा उसको ठीक है तो अब देख लेते हैं लोग कितना कितना दिनों तक लोगों ने काम किया तो अमन ने कितने अमीन ने कितने दिन तक काम किया आठ दिन तक तो यहां काम किया था वो एक एक एक्स्ट्रा दिन यहां पे काम किया था नौ दिन उसी प्रकार बासा ने नौ दिन और चीज ने आठ दिन यहां काम किया था और उसके बाद एक बटा दस दिन यहां काम किया है ठीक है प्लस लिख देते हैं या इसको आप लिखो आठ से एक बटा, दस लिख दो अब हमको पूछा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करें तो हमको पता राशि उनके काम के अनुपात में मिलता है तो ठीक है तो इसको एक मिनट हटा दें तो इनके काम का अनुपात कितना आया नौ रेशियो नौ रेशियो अगर इसको करें अस्सी एक इक्यासी बटा में दस देखो सब में नौ कॉमन है तो एक रेशियो एक रेशियो नौ बटा दस दस से गुड़ा कर देते दस रेशियो दस रेशियो कितना नौ इनके काम का रेशियो आया पूरा पारिश्रमिक कितना है दो सौ चालीस रुपया है तो क्या पूछा है कितना कितना रुपया मिलेगा तो देखो दस दस बीस नौ उनतीस अब देखिए इनके द्वारा कितने दिन काम किया गया है तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ डेज यानी अमीन ने नौ दिन काम किया था बादशाह ने भी नौ दिन काम किया था और चीज ने आठ से एक बटा दस दिन तक काम किया था और हमको पता है इनकी कार्य क्षमताएँ भी कितनी है चार यूनिट नौ यूनिट और तीस यूनिट तो हमने आपको पहले बताया था कि वेज जो होता है यानी वेतन होता है आपके काम के हिसाब से आपको मिलता है अब रियल लाइफ में ऐसा हो या ना हो लेकिन क्वेश्चन में इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं रियल लाइफ में तो आप देखते होंगे कि मज़दूर ज़्यादा काम करते लेकिन उनको पेमेंट कम मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा खैर क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम समझेंगे कि अमीन ने कितना काम किया और बासा ने और चीज ने कितना किया ठीक है तो नौ दिन काम किया क्षमता चार थी नौ दिन काम किया क्षमता नौ थी और इन्होंने आठ सही एक बटा दस दिन काम किया और कार्य क्षमता इनकी कितनी है तीस साल कर लेते हैं नौ चौक छत्तीस नौ नौ इक्यासी ठीक है और आठ अस्सी बटा अस्सी एक इक्यासी इक्यासी गुड़े तीस बटा में कितना दस एक ज़ीरो से जीरो काट देंगे और एक चीज़ देखें तो सब में नौ कामन है तो नौ को बाहर लेते हैं छत्तीस नौ नौ यहाँ आ जाएगा तो नौ तक सत्ताईस तो अगला पेज एक ले लें क्या था इनकी कार्य क्षमताएँ नौ चार नौ और सत्ताईस में ठीक है चार नौ सत्ताईस तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा नौ चार तेरह और सत्ताईस यानी चालीस चालीस कितने यूनिट के बराबर इनको कितना पारिश्रमिक मिलता है तीनों को दो सौ चालीस रुपया तो हमसे पूछा है कि चीज़ को कितना पारिश्रमिक मिलेगा यही ना अच्छा प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला पारिश्रमिक देख लीजिए यहाँ से दो दिया हुआ है तो चालीस यूनिट एक दो सौ चालीस के है तो एक यूनिट कितना होगा छः अच्छा तो इन लोगों को कितना मिलेगा अमीन को मिलेगा छः चौक चौबीस बासा को मिलेगा छत्तीस रुपया और इनको मिलेगा एक सौ बीस बयालीस एक सौ बासठ रुपया तो चौबीस चौबीस छत्तीस एक सौ बासठ चौबीस छत्तीस एक सौ बासठ अच्छा चौवन होगा ना नौ चौवन कौन सा ऑप्शन होगा ए अच्छा क्वेश्चन है इसको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा लेकिन यह क्वेश्चन अच्छा है एक लैंप को जलाने के लिए जलाने वाले को गैस के सौ लैंप जलाने हैं एक लैंप पोस्ट से अगले तक जाने के लिए उसे साठ सेकेंड का समय लगता है हर एक लैंप में प्रति घंटे बारह घन फीट गैस है जलता है यदि वो पहला लैम्प शाम सात बजे जलाता है तो जब वह आखिरी लैम्प जलाता है तब तक कितना गैस जला होगा क्या है कि किसी लैम्प पोस्ट को कितना है सौ लैंप जलाने हैं ठीक है थीके? तो एक लैम्प पोस्ट जलाने से अगले पोस्ट लैम्प पोस्ट जलाने के लिए उसे कितना साठ सेकेंड का समय से लगता है तो जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे आप दीपावली में दिया जलाते हो ठीक है तो एक मोमबत्ती जैसे मान आप जलाने के बाद जब अगली मोमबत्ती में जाते हो तो वही समय आपको दिया है कि साठ सेकंड लग जाता है यानी हम कहें एक मिनट लग जाता है इसी प्रकार जब आप अगली मोमबत्ती जलाओगे तो एक मिनट लग जाएगा आपका और आपको जलाने कितनी है पूरे सौ मोमबत्तियाँ ठीक है एक मिनट यहाँ भी लग जाएगा इस तरह से अच्छा टोटल टाइम कितना होगा बता सकते हो कि सौ मोमबत्ती जलाने में जब हम सौ मोमबत्ती जला रहे होंगे तब तक कितना समय गुजर चुका होगा अगर आप सौ सोच रहे होंगे तो गलत हो जाएगा आपका क्यों देखिए अगर हमारे वाले तीन नंबर हैं एक दो तो, तीन और हम कहते हैं चार तो पहली मोमबत्ती जलाते हैं तो एक मिनट का समय बीत जाता है जब दूसरी जलाएंगे दूसरी से तीसरी जब पे जाएंगे तो एक मिनट का समय फिर जब तीसरी से चौथी पे जाएंगे तो एक मिनट का समय हो जाएगा यानी चार मोमबत्तियों के जलाने में हमारा कितना समय बीतेगा एक दो तीन तीन मिनट तो कभी भी इस तरह से जैसे खभी खम्भे में लगाने में आ जाएगी अगर एक खम्भे के बीच की दूरी एक मीटर है तो सौ खम्बे हैं तो उनके बीच में जो दूरी होगी वो कितना हो गया वो निन्यानवे मीटर होती है न कि सौ क्योंकि एक क्या होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं थी एक हम कम कर देते हैं तो यहाँ पे अगर पहली मोमबत्ती जलाने से लेकर लास्ट मोमबत्ती जलाने के बीच में कितना समय गुजर चुका होगा निन्यानवे मिनट यानी हम कह सकते हैं कि जब हम आखिरी मोमबत्ती जला रहे होंगे तब तक यह मोमबत्ती निन्यानवे मिनट तक जल चुकी होगी उसी प्रकार दूसरी मोमबत्ती अट्ठानवे मिनट तक जल चुकी होगी तीसरी सत्तानवे से होते हुए कितना निन्यानवे जो मोमबत्ती होगी वह एक मिनट जल चुकी होगी और जो लास्ट मोमबत्ती उसको हम तुरंत अभी जला रहे हैं तो उसी समय हमसे पूछा जा रहा है तो जब हम जला रहे हैं तो वह तो अभी जीरो सेकंड के लिए जली होगी इतना क्लियर हुआ अब देखिए एक डाटा और दिया हुआ कि एक लैम्प एक घंटे में बारह घन फीट गैस जलाता है बारह घंटे एक घंटे में बारह घन फीट तो हमको क्या करते हैं हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं एक मिनट में कितना हो जाएगा आपको आओगे बारह बटा साठ यानी कितना एक बटा पाँच घन फीट अब कुछ नहीं बचा है अब सीधा साफ कर देते हैं तो पहली मोमबत्ती कितने समय के लिए जलेगी होगी निन्यानवे मिनट के लिए तो कितना गैस यूज किया होगा एक बटा पाँच दूसरी अट्ठानवे मिनट के लिए कितना गैस यूज किया होगा एक बटा पाँच भाई एक मिनट में इतना एक बटा पाँच तो अट्ठानवे मिनट में इतना सही इस तरह से जाएंगे लास्ट मोमबत्ती एक घंटे एक मिनट के लिए और कितना एक बटा पाँच ठीक है तो एक बोटा पाँच सौ में से कामन और यह क्या हो गया फिर निन्यानवे अट्ठानवे से करके इस तरह से एक तक जाएगा और हमको पता है एक प्लस दो प्लस तीन अगर इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो इसका फार्मूला क्या होता है एन एन प्लस वन बाई टू तो सॉल्व करते हैं एन कितना है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं निन्यानवे तो निन्यानवे प्लस वन में दो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा निन्यानवे गुड़े सौ बटा में दस काट दोगे तो कितना हो जाएगा नौ नौ जीरो यानी टोटल गैस कितना होगा नौ सौ नब्बे घन फीट कौन सा ऑप्शन होगा सी ठीक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है इसका मतलब है कि यू पी में आप इतना मान के चलिए कि टाइम एंड वर्क को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आए हुए हैं और जो क्वेश्चन है वह भी बहुत अच्छे हैं अच्छे क्वेश्चन है साहब सारे अब यही क्वेश्चन देख लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में सॉल्व करोगे शायद ना आ पाए लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो हो सकता है कि अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लोगे इसमें केवल दो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर एक से लेकर सौ लैंप तक जलाने के बीच के जो समय होगा वो सौ मिनट नहीं होगा वो निन्यान होता है हमेशा इस तरह से क्वेश्चन में जो आएगा तो आप एक कम के कम करके किया करो जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि एक से एक खम्बे के दो खम्भे के बीच की दूरी एक मीटर है तो सौ खम्बे के बीच की दूरी कितना होगी तो सौ मीटर कभी नहीं होगा वह कितना होगा निन्यानवे मीटर होगा अगला क्वेश्चन पांच मज़दूर बारह मज़दूर पांच मज़दूर दिन में बारह घंटा काम करते हुए एक कार्य को तीस दिनों में पूरा कर सकते हैं बारह घंटे काम करते हुए पंद्रह मज़दूरों को इसका आधा कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे तो ठीक है पांच मज़दूर बारह घंटा तीस दिनों में पूरा करते हैं तो 12 घंटे में काम करते 15 मजदूर इसके कितने कार्य को इसके आधे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे साल कर लेते हैं पंद्रह दूनी तीस बारह से बारह कट गया दो इधरगुड़ा हो जाएगा तो डी वा कितना होगा पाँचों का बीस पाँच दूनी दस दूनी बीस हाँ ठीक है बीस अच्छा दो बुरा होगा आधा हो, तो हो जाएगा तो कितना था पाँच दोनों दुण दस दस का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाँच कितना पाँच दिन अगला रोहन एक कार्य काम को सोलह दिनों में पूरा करता है रोहित रोहन से दो गुना कार्य सक्षम है तो रोहित कितने दिनों में पूरा करेगा तो भाई दिया है कि रोहित रोहन एक काम को सोलह दिनों में पूरा करता और रोहित इससे क्या दो गुना कार्य सक्षम है तो ये समय भी कितना कम लेगा इससे आधा कम समय लेगा यानी आठ दिन में ये कार्य को पूरा कर देगा ठीक चालीस ए एक काम को पचास दिनों में कर सकता है जिसे बी अकेला चालीस दिनों में कर सकता है ए द्वारा काम आराम किए जाने के बाद जाने के बीस दिनों बाद बी उसमें शामिल हुआ तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप कर लेना इसको देखिए ए और बी ए कितना पचास दिनों में बी कितना चालीस दिनों में दो सौ क्या एल्सीम ले लिया तो ये चार हो जाएगा ये पाँच हो जाएगा तो चार दिन ए फिर दिया ए अकेला काम कर किया जिसने जिसके बीस दिनों बाद तो बीस दिन तक क्या है बी अकेला ए अकेला काम किया तो इतना काम हो चुका है कितना अस्सी अभी कितना बचाया एक सौ बीस काम तो उसके बाद बीस शामिल हुआ तो कुल कितने दिनों काम पूरा हुआ था बीस अभी एक अस्सी तो काम हो चुका है तो एक सौ बीस काम बचा एक सौ बीस काम दोनों मिलकर पाँच चार बटा नौ ठीक है तो दो ये कितना बीस दिन यहाँ पे बीस दिन यहाँ पे लगा था प्लस यहाँ पे कितना दिन लग जाएगा तो नौ एकम नौ तीन और नौ त्रिक सत्ताईस तेरह दशमलव यानी तैंतीस दशमलव कुछ समथिंग आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा सी ठीक है इसको और एक उनतालीस वही छोड़ें चलो देखते हैं उसको हम बाद में करेंगे और कितना हुआ तुम्हारा चालीस इकतालीस देखते हैं चार व्यक्ति एक काम को बारह दिनों में कर सकते हैं चार व्यक्ति किसी काम को बारह दिन में अगर व्यक्तियों की संख्या को तो से घटा दिया जाए तो वे असल वे असल काम के एक चौथाई काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे देखो चार व्यक्ति हैं किसी काम को बारह दिन में करते हैं अगर व्यक्ति की संख्या दो घटा दी यानी अब दो व्यक्ति हैं तो पूछा जा रहा है कितने दिनों में काम का एक चौथाई करेंगे तो ठीक है दो से काट देते हैं तो दो बार दुनी चौबीस गुड़े में एक बटा चार यानी छः दिनों में कौन सा ऑप्शन होगा बी बयालीस दस व्यक्ति दस दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है दूसरे दिन दो और शामिल होते हैं काम पूरा होने तक प्रतिदिन दो कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है मकबरा बनाने में कितने दिन लगेगा देखो अगर दस व्यक्ति ठीक है दस दिन तक काम कर दें तो पूरा कार्य पूरा हो जाएगा लेकिन होता क्या है कि पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता काम करता है फिर अगले दिन दो लोग जुड़ जाते हैं फिर अगले दिन और दो लोग जुड़ जाते हैं फिर अगले दिन दो और लोग जुड़ जाते हैं इस प्रकार तब तक जुड़ते रहते हैं जब तक पूरा कार्य पूरा ना हो जाए तो हम क्या करेंगे देखो हमको पहले पता है कि पूरा कार्य जो है कितना है पूरा कार्य है हमें अगर इसको मान लें सौ यूनिट क्योंकि दस आदमी अगर उसको करते हैं तो दस दिन तक पूरा होता है यानी पूरा काम कितना मान लेते हैं सौ यूनिट और यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने मान लिया कि एक आदमी की जो कार्य क्षमता हुआ है एक मान लिया है तो दस आदमी कार्य क्षमता दस और दस दिन तक काम किए थे सौ यूनिट हो गया तो पूरा काम सौ यूनिट करना है तो देखो पहले दिन एक आदमी आता है तो उसकी क्षमता हमने एक माना है और एक दिन तक काम करता है तो कितना हो जाएगा एक दूसरे दिन दो व्यक्ति आते हैं लेकिन एक व्यक्ति पहले दिन से पहले से काम कर रहा है तो अब कितने हो जाएंगे वन प्लस टू क्षमता एक है तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं उसको अब कितने दिन के लिए एक दिन के लिए काम करते हैं फिर अगले दिन क्या होता है तीन दिन तीन आदमी पहले हो चुके अब उसमें एक और जुड़ जाता है वह भी एक दिन के लिए करता है तो देखो सौ हो गया यह नंबर कैसे बन रहा है एक तीन ठीक है और यहाँ पे कितना हो जाएगा अच्छा दो आदमी जुड़ रहे हैं तो पाँच फिर अगले दिन पाँच में दो आदमी जुड़ जाएंगे सात और कार क्षमता है तो हमने एक मान लिया तो एक से गुड़ा करने में कोई अंतर नहीं होगा आप प्लस एक दिन के लिए कर रहे हैं हर एक दिन के बाद नंबर बदल जा रहा है तो एक हो जाएगा तो इस प्रकार से यह चलता चला जाएगा अब हमको सोचना है कि वह कितने दिन रहेगा कि जब यह नंबर सब आ जाएगा तो देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि फर्स्ट या समझिए इस इसे प्रथम एन विषम संख्याओं का जो योगफल होता है विषम संख्या यानी एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह ठीक है वह येन स्क्वायर के बराबर होता है देखो हम मान लेते हैं कि हंड्रेड हमको लाना है और इधर हमको नहीं पता कि हम कब तक जोड़ते जाएंगे तो हम मान लेते हैं कि यनवे टर्म में यानी यनवे संख्या में हमारा क्या आ जाएगा सौ आ जाएगा तो यानी यह कितना दस का स्क्वायर यन का स्क्वायर यानी देखो घात बराबर है और हमको आधार बराबर कर देते तो घात बराबर हो जाती तो घात यहाँ पे बराबर दिया होता है आधार हमारा कितना हो जाएगी बराबर दस यानी हम कहेंगे कि कि यह नंबर इस तरह से हम दस तक जोड़ते जाएँ दस टर्म तक पद तक तो यह इसकी जो जो उनका योग आएगा वो कितना होगा देख लीजिए जैसे अगर एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस कितना हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक हटा देते हैं अब इनको जोड़ लेते हैं एक तीन चार चार पाँच नौ नौ सात सोलह सोलह ग्यारह सत्ताईस सत्ताईस और नौ कितना पैंतीस छत्तीस छत्तीस और तेरह देखो यहाँ तक छत्तीस हो चुका है ठीक है प्लस अट्ठाईस तेरह पंद्रह अट्ठाईस प्लस इसको जोड़ दोगे तो कितना छत्तीस छत्तीस दून बहत्तर बहत्तर और अट्ठाईस कितना हो जाएगा सौ तो टोटल सौ हो जाएगा तो कितना दिन लगा दस दिन अच्छा क्वेश्चन है यानी यह भी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है यह तो मान लो आंसर नहीं आता इसका यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है छत्तीस और बयालीस आपका दोनों अच्छे क्वेश्चन इनको दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें बस आपको इतना ए पता होना चाहिए कि प्रथम यानी विषम संख्याओं का योगफल और एक बताया था कि अगर एक दो इस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब समानांतर श्रेणी में अगर नंबर यन तक हो तो इनका सम होता है यन एन प्लस वन अपानवे टू यन क्या होता है यहाँ पे कितने नंबर आप टर्म है अगर सौ है तो सौ लिखेंगे पाँच होगा तो पाँच तीन होगा तो तीन ठीक है अगला क्वेश्चन कुछ श्रमिकों को साठ दिनों में काम पूरा करने के में पूरा कर सकते हैं अगर आठ श्रमिकों और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है तो वे इस काम को पूरा करने में दस दिन कम लेंगे तो श्रमिकों की असल संख्या क्या है तो मान लेते पहले श्रमिक यन थे साठ दिनों में पूरा कर देते हैं अभी क्या हुआ आठ श्रमिक को और हमने नियुक्त किया कर दिया यानी अब कितना हो गया सॉरी अब कितना हो गया आठ प्लस यन तो अब क्या कर रहे हैं दस दिन कम ले रहे हैं यानी पचास दिन में ही पूरा कर दे रहे हैं तो हमको यन का नंबर निकालना है तो देखो यहाँ से कितना छः यन और यहाँ से पाँच यन यानी यन बराबर कितना चालीस तो श्रमिकों की संख्या कितनी थी चालीस अगला क्वेश्चन देखते हैं एक काम को चालीस दिनों में पूरा करने के लिए बीस श्रमिकों को नियुक्त किया था लेकिन कुछ श्रमिक काम के सोलह सोलह दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं शेष श्रमिक उस काम को, को उसके आरंभ से छियालीस दिनों में पूरा करते हैं सोलह दिनों के बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया था क्या दिया हुआ कि चालीस दिनों में पूरा काम करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है यानी 40 श्रमिक किसी काम को 20 दिन में कर सकते थे लेकिन कुछ श्रमिकों को 16 दिनों के बाद काम छोड़ना पड़ा देखो पूरा काम मान लेते हैं इतना यूनिट है और एक श्रमिक की हम जो कार्य क्षमता है उसको हम मान लेते हैं एक इस चीज़ को कभी मत भूला करिए क्योंकि अभी क्वेश्चन क्यों आसानी से हो जा रहा है आपको लग रहा है कि लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ये कार्य क्षमता मिस कर देते हो क्योंकि वर्क हमेशा क्या होता है टाइम इंटू इफ़िशंसी तो यहाँ पे जो हम 40 गूढ़े बीस करके सीधा वर्क यूनिट निकाल लेते हैं तो यहाँ हम इतना एज्यूम करके चलते हैं कि एक व्यक्ति की कार्य क्षमता एक है तो 40 व्यक्तियों की कार्य क्षमता 40 होगी और समय हमको पता है कितना 20 तो इतना पूरा टोटल हमारा वर्क आ जाएगा तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करें लिखें भले से नहीं लेकिन आप मन में इसको एज्यूम करके या बोला करिए कि इनकी कार्य कार्यक्षमताएँ एक है तो इससे एक आपको हैबिट पड़ी रहेगी वरना कभी कभी कह जाता है कि अगर आप यह नहीं करते हो और सीधा क्वेश्चन करते हो तो आपका आंसर भी नहीं आता है क्योंकि आप क्या क्षमता को छोड़ के चल रहे होते हैं ठीक है तो देखिए आगे क्या दिया हुआ है लेकिन कुछ श्रमिक 16 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं तो देखो हम यही समझते हैं कि पहले पूरा कार्यक्ष हमारा कितना हो गया आठ सौ यूनिट हमको कम्प्लीट करना है अब दिया है कि लेकिन कुछ श्रमिक 16 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से छियालीस दिनों में पूरा करते हैं हम मान लेते हैं कि सोलह दिन तक तो कम से कम बीस आदमी काम किए होंगे उसके बाद कुछ आदमी ने छोड़ दिया हमको नहीं पता तो अब मान लेते हैं हम यह नंबर आदमी हो गए और शुरू से कितना काम शुरू होने के छियालीस दिनों बाद में पूरा करते हैं सोलह दिन पहले हो चुका है तो तीस दिन और लिए होंगे हमसे पूछा है कि सोलह दिनों के बाद कितने आदमी ने काम छोड़ा था सॉल्व कर लेते हैं सोलह दिन बत्तीस तीन सौ बीस तीन सौ बीस से यानी कितना हो जाएगा चार सौ अस्सी बत्तीस अड़तालीस अस्सी यन बूढ़े तीस यान, यान बराबर कितना आ गया सोलह तीन अड़तालीस होता है ठीक है अभी कितने आदमी हैं सोलह सोलह दिन बाद कितने काम कर रहे हैं सोलह उससे पहले कितना काम कर रहे थे बीस तो यानी कितने आदमी ने काम छोड़ा चार कौन सा ऑप्शन सी ठीक है बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है यानी ए से क्या है बी की कार्य क्षमता दोगुनी है ठीक है ए किसी काम को पंद्रह दिनों में कर सकता है ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद बी उसमें उस शामिल हो जाता है उन्होंने उस काम को आराम से ग्यारह दिनों में पूरा कर लिया उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया देखो एक किसी काम को पंद्रह दिन कार्य क्षमताएँ अगर एक अनुपात के दो में है तो टाइम का क्या होता है हम जानते हैं कि उल्टा हो जाता है दो अनुपात एक में यानी अगर एक किसी काम को पंद्रह दिन में करेगा तो बीस को कितने दिनों में कर देगा इससे आधे समय में पंद्रह बटा दो में अब दिया हुआ है कि ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद बी उसमें शामिल हो जाता है उन्होंने उस काम को आराम से ग्यारह दिन में पूरा कर लिया और एक चीज़ देखिए कि बहुत से लोग गलती करते हैं इसमें कि वे क्या करेंगे कि पंद्रह और पंद्रह बटो दो है तो इसको आसान बनाने के लिए बोलेंगे एक तीस हम ले लेते हैं एक पंद्रह ले, ले लेते हैं आप ऐसा कभी भी मत करना आप पूछोगे क्यों क्योंकि देखिए नेवर पहले इसको हम लिख देते कभी मत करना ऐसा इसलिए कि जो पंद्रह और पंद्रह बटा दो वैल्यू नंबर हैं यह क्या एप्सोल्यूट नंबर है एप्सोल्यूट मतलब यह क्लियरली क्या है क्वेश्चन में दे रखा है और यह कोई रेशियो वाली वैल्यू नहीं है कि पंद्रह अनपाते पंद्रह अनपाते पंद्रह बटा दो अगर यह होता तो फिर आप तीस अनपाते दो करते ये सही हो जाता है लेकिन चूंकि एक क्वेश्चन में क्या हमको सीधा क्लियरली दिया हुआ है कि यह एक वैल्यू पंद्रह तो एक बटा वैल्यू पंद्रह बटा दो होगी तो आप इस तरह से कभी भी मत करना अब आगे सॉल्व कर लेते हैं ए और बी का हमको निकल गया कितना एक पंद्रह एक पंद्रह बटा दो एलसीएम कितना हो जाएगा पंद्रह तो एक वैल्यू कितना हो जाएगी अगर एक भाग देंगे और ये दो तो इफिशियंसी तो हमको पहले से ही पता थी कि इनकी रेशियो क्या है एक अनबाते दो में तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया पंद्रह अब क्वेश्चन साल कर लेते हैं पंद्रह तो मान लेते ए ने क्या है कि पहले डी दिन तक कुछ अकेले काम किया तो उसकी इफ़िशियंसी एक है डी दिन तक अकेले दिन काम करेगा तो इतना काम करेगा उसके बाद क्या होता है ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता ए और डी हो गया और टोटल काम ग्यारह दिन होता तो डी दिन पहले काम हो चुका तो अब कितना ग्यारह माइनस डी तो साल कर लेते हैं पंद्रह बराबर में डी और थ्री माइनस थ्री डी यानी टू डी प्लस तैंतीस डी यहाँ से साल्व करेंगे कितना हो जाएगा पंद्रह अट्ठारह यानी नौ यानी ए जो है नौ दिन तक अकेले काम करता है तो पूरा काम ग्यारह दिन होता है यानी दो दिन बचता है तो दो दिन जिसमें क्या होता है ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो कौन सेंसर होगा बी इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कभी कभी आप क्वेश्चन आसान बनाने के चक्कर में इसको आप इस तरह से कर देते हो तो यह बिल्कुल गलत होगा अगला चार आदमी तीन औरतें एक काम को छः दिन में ख़त्म कर सकते हैं पांच आदमी सात औरतें इसी काम को चार दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी एक औरत इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे मुझे लगता है आप एक क्वेश्चन कर लोगे देखो क्या दिया आपका है कि चार आदमी तीन औरत किसी काम को छः दिन में कर सकते हैं ठीक है और पाँच आदमी सात औरत किसी काम को चार दिन में कर सकते हैं तो हमसे क्या पूछा है कि एक आदमी और एक औरत इसी काम को कितने दिनों तक में करेंगी तो देखो पहले हम क्या इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं सबसे पहले हम इफ़िशंसी का रेशियो निकालते हैं किसका मैन और वुमेन का कि एक आदमी और एक औरत के कार्य क्षमताओं का क्या अनुपात है जब तक हमें कार्य क्षमताओं का अनुपात नहीं पता चलेगा तब तक हम कैसे निकालेंगे कि पूरी कार्य कितना अगर हमको कार्य क्षमता पता चल जाए तो जैसे अगर एक आदमी की मान लेते कार्य क्षमता एक और एक औरत की कार्य क्षमता एक है तो चार तीन सात छः बयालीस यानी हम कहेंगे टोटल काम कितना बयालीस यूनिट है तो एक आदमी एक काम करता है एक औरत तो एक यूनिट काम करती है हम उनकी कार्य क्षमताएँ एक, एक है तो दो तो दो बटा बयालीस यानी इक्कीस इक्कीस दिन में काम पूरा हो जाएगा तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालते हैं तो देखिए तीन और दो ठीक है तीन चौक बारह तीन त्रिका नौ पाँच धूनी दस सात धूनी चौदह दो मन मनुष्य बराबर कितना पांच औरत यानी औरत और आदमी की अनप रेशियो जो निकल गया है क्षमता का पाँच दो अब सीधा हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो किसी एक इक्वेशन से रख के हम टोटल काम निकाल से मान ली यही इक्वेशन है तो हम कहेंगे चार मनुष्य मनुष्यों के कार्य क्षमता पाँच औरतों की क्षमताएं दो ठीक है कितना दिन तक छः दिन करते हैं तो एक मनुष्य एक मनुष्य की कार्य क्षमता हमने पाँच मान लिया और एक औरत की दो हमसे डी पूछा है तो देखो पाँच चौका बीस और तीन दुनी छः बीस छः छब्बीस गुढ़े छः छब्बीस गुढ़े छः बटा में सात अच्छा ये नंबर तो कटेगा नहीं तो सात दो में है ठीक है देख लेते हैं छचा के छत्तीस छः हो गए अब देखो सात पच्चे पैंतीस दो सैंतीस हो जाएगा यहाँ सात आ जाएगा सात उन्नीस चौदह दो, दो, दो सोलह तो छः आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा सी अगला क्वेश्चन एक निश्चित कार्य का दो बटा तीन भाग छः दिनों में पूरा कर सकता है बी उसी कार्य का एक बटा तीन भाग आठ दिनों में सी उसी काम का तीन बटा चार भाग बारह दिनों में उनमें से सभी चार दिनों तक तो एक साथ काम करते हैं सी और एक काम को छोड़ देता बी को शेष काम अकेले करने के लिए कितने दिन लगेंगे इस प्रकार का एकदम सेम क्वेश्चन पहले ही कराया जा चुका है सोलह या अठारह था देखो ए किसी काम का दो बटा तीन भाग कितने दिन छः में तो पूरा काम कितने में करेगा छः तरीक अट्ठारह बटा दो यानी नौ दिनों में तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे देखो नौ दिन तो बी चौबीस दिन और सी बारह चौक अड़तालीस बटा तीन यानी सोलह दिन तो इन सब का एल्शियम ले लो पहले कितना होगा सोलह तीन अड़तालीस सोलह चौका सौ चौसठ सोलह पच्चीस अस्सी तो सोलह कितना सोलह नवियाँ एक सौ चवालीस कर दें ठीक है तो ये सोलह हो जाएगा और चौबीस छक्का एक सौ चवालीस होता है और सोलह नविया एक सौ चवालीस होता है तो हमसे पूछा उनमें से सभी चार दिनों तक सात कार्य करते हैं चार दिन सात काम करेंगे तो सोलह छः बाईस नौ बाईस नौ इकतीस चार दिन तक काम करेंगे तो कितना यूनिट काम हो जाएगा एक यूनिट बचा कितना यूनिट बीस यूनिट और काम करना है तो क्या पूछा है सी और ए काम को छोड़ दो बी शेष काम को अकेले कितने दिन में कितने दिन लगेंगे बी को शेष काम अकेले करने के लिए कितने दिन लगेंगे भाई बी की क्षमता छः है बीस काम करना है तो बीस बटा छः कर दोगे इतना कितना छतृक अट्ठारह तीन बचेगा छत्रिक अट्ठारह बचा दो फिर छतृक अट्ठारह इस तरह से कितना हो जाएगा तीन दशमलव तीन तीन इस तरह से ना करके इसको सीधा बोलो दस बटा तीन दस बटा तीन की तो कितने लड़कों को एक दिन में एक आदमी और एक महिला को काम पूरा करने के लिए सहायता करनी चाहिए कितने लड़कों को अच्छा लड़कों की संख्या पूछा जा रही देखो एक आदमी एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः कितना एक आदमी जो है कितने दिनों में तीन दिन में एक औरत कितने दिन में काम करती है छः दिन में और एक लड़, एक लड़का जो है वह किसी काम को चौबीस दिनों में एलसीएम ले लो चौबीस आठ चार एक अब हमसे पूछा है कि टोटल काम कितना चौबीस यूनिट तो चौबीस यूनिट काम करने के लिए पूछा गया है कितने लड़कों को तो लड़कों की संख्या हमको नहीं पता तो लड़कों की कार्य क्षमता कितनी है एक हम मान लेते हैं डी मान लेते हैं हम एक e लड़के हैं e एक लड़कों की रिक्वायरमेंट होगी एक लड़की की कार्य क्षमता इतनी है तो एक e लड़कों की कितना एक इंटू वन एक दिन में एक आदमी और एक महिला को काम पूरा करने के लिए सहायता करनी चाहिए एक दिन में एक आदमी एक आदमी की क्षमता कितना है आठ प्लस एक औरत की क्षमता कितना और दिन तो एक ही दिया है आवश्यकता होगी ताकि पूरा काम क्या हो जाए एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए तो आठ छः चौदह तो यक्स घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आठ छः चौदह चौदह में से घटाओगे तो दस आठ छः चौदह यहाँ चार होगा ना आठ चार आठ चार बारह बारह घटा देंगे तो कितना बारह यानी कितने लड़कों की रिक्वायरमेंट है बारह कौन सा ऑप्शन होगा नेक्स्ट यदि रणवीर किसी कार्य को छह दिनों में पूरा करता और राजा रणवीर से पचास परसेंट अधिक कुशल है तो राजा को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे देखो रणवीर और राजा दो व्यक्ति हैं तो दिया है कि रणवीर किसी कार्य को छह दिनों में पूरा करता है ठीक है और राजा रणवीर से क्या है पचास परसेंट अधिक कुशल है यानी रणवीर की क्षमता अगर दो है तो राजा की क्षमता कितना है तीन ठीक है देखो कैसे मैंने निकाला पचास परसेंट का वैल्यू हमको आप पहले ही बता चुका था पचास तो परसेंट मतलब कितना होता है एक बटा दो तो दो है रणवीर अगर मान लें तो एक पचास परसेंट अधिक यानी एक अधिक है तो यानी अगर हम रणवीर को दो मानेंगे तो राजा की वैल्यू कितनी होगी तीन दो एक तीन ठीक है तो अगर हम बनाए हमको दिया है क्षमताओं का अनुपात है तो समय का अनुपात हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा समय का अनुपात हो जाएगा तीन अनुपात में दो तो अगर रणबीर को छह दिन लग रहे हैं किसी काम करने में यानी कितना दो गुना है तो ये इसको कितना लगेगा चार दिन लग जाएगा अब पूछा है तो राजा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा चार दिनों में यही क्वेश्चन था देव एलिशा फारूक और गोकुल एक कार्य को क्रमशः देव एलिशा फारूक और गोकुल दे रखा है कि किसी काम को क्रमशः नौ दस बारह एवं पंद्रह दिनों में पूरा कर सकते हैं एलिशा और फारूक ने काम साथ में शुरू किया एलिशा और फारूक ने काम साथ में शुरू किया चार दिन कार्य किया फिर छोड़कर चले गए देव और गोकुल को उस बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ठीक है सबसे पहले तो हमको इसका एलसीएम निकालना होगा तो हम बारह पंद्रह हम एक सौ सीधा करते हैं तो कितना हो जाएगा बीस आठ ठीक है पंद्रह यहाँ पे अट्ठारह होगा देखो यही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती फिर बाद में कैलकुलेशन में और ये बारह अब दिया है कि एलिशा और फारूक देखो एलिशा और फारूक का दे रखा है कि चार दिनों तक तो यह क्या करते हैं काम करते हैं तो एलिशा और फारूक की कार्य क्षमताओं क्या कितना है 18 और पंद्रह अट्ठारह प्लस फिफ्टीन चार दिन तक काम करते हैं तो कितना हो जाएगा 33 गुड़े में चार इसका मतलब कितना हुआ बारह एक सौ बत्तीस तो 132 यूनिट हो चुका है तो अभी कितना यूनिट बचा है 132 में कितना जोड़ देंगे यानी 48 48 यूनिट काम करना किसको करना देव और एलिशा को तो हमको पता है देव और एलिश देव और सॉरी गोकुल को तो कितना है नौ और प्लस पंद्रह यानी नौ पंद्रह सॉरी सॉरी बीस और कार्य क्षमता है कितना बारह बीस धन बारह यानी कितना बत्तीस डिवाइड करिए तो एक बार जाएगा दो बार तो जाएगा नहीं बत्तीस गुना बासठ हो जाएगा तो केवल कौन सा ऑप्शन होगा सी अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन तीन प्रोफेसर डॉक्टर राम डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला एक विषय की उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में चालीस प्रतिशत अधिक सक्षम है जो डॉक्टर कला से बीस प्रतिशत अधिक सक्षम है देखो तीन प्रोफेसर दिया है डॉक्टर राम डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला इन तीनों में दिया कि डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में कितना चालीस प्रतिशत अधिक सक्षम है यानी अगर राधा पाँच होंगी तो ये कितना सात ये तो बेसिक हमने पहले बताया था कि 40 परसेंट की वैल्यू कितना होती है दो बटा में पाँच तो पाँच अगर ये होगा तो वो कितने होंगे राम सात उसी पर अगर दूसरा बीस दिया तो बीस की वैल्यू होती है एक बटा पाँच यहीं से देखो चालीस परसेंट वैल्यू आती है दो बटा पाँच हो जाता तो एक अगर पाँच होगा दूसरा छः हो जाएगा तो डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में चालीस प्रतिसट अधिक सक्षम है जो डॉक्टर कला से बीस परसेंट अधिक सक्षम है कौन डॉक्टर राधा डॉक्टर राधा डॉक्टर कला डुर्या से कितना है बीस परसेंट अधिक सक्षम है न कि डॉक्टर राम से गलती मत करना है यहाँ पे देखो पढ़ना डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में चालीस प्रतिशत अधिक सक्षम है तुमने कहा राधा अगर पाँच है तो सात है जो कौन डॉक्टर राधा डॉक्टर कला से कितना है बीस परसेंट अधिक सक्षम है तो अगर डॉक्टर कला पाँच है तो डॉक्टर राधा कितना हो जाएंगी छः अब रेशियो आपको बराबर करना आना चाहिए देखो ये पाँच है और ये छः है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी बराबर होनी चाहिए तो इसमें हम ऊपर में क्या छः से गुड़ा कर देंगे और नीचे पाँच से गुड़ा कर देते हैं देखो छः सते बयालीस छः पंजे तीस पाँच से उड़ा करके पाँच छत्तीस तो ये दोनों बराबर हो जाएगा पचास पच्चीस यह क्या हो गया इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात हो गया बयालीस अनुपाते तीस अनुपाते पच्चीस तो टाइम का अनुपात एक बटा बयालीस अनुपाते एक बटा तीस अनुपाते एक बटा पच्चीस हम इनका पहले वो निकाल लेते हैं एल तो बयालीस तीस पच्चीस का एलसीएम कितना हो गया बयालीस तीस और पच्चीस का देखो बयालीस लिखोगे छः गुड़े सात तीस को लिखोगे छः गुड़े पाँच पच्चीस को लिखोगे पाँच गुड़े पाँच यानी छ सात और एक क्या नंबर है पाँच तो छः गुड़े सात गुड़े पाँच ठीक है और एक पाँच यहाँ पे है तो गुड़े पाँच कितना हो जाएगा पचास पच्चीस छक्का डेढ़ सौ गुड़े सात यानी पंद्रह सत्ते एक सौ पाँच और जीरो सात सौ पचास एल आ जाएगा इनका तो सॉरी दस पचास इनका एल आ जाएगा तो जब बयालीस में भाग देंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेने एक बार कि जब बयालीस में अब भाग दोगे तो छः सतह बयालीस हो जाएगा तो कितना बचेगा बयालीस में करोगे पच्चीस उसी तरह जब तीस में आप करोगे छः पंजे तीस तो कितना बचेगा सात बचे पैंतीस और जब पच्चीस में भाग दोगे तो पाँच का पाँच में हो जाएगा दैन छः सते बयालीस तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पच्चीस पैंतीस और बयालीस का रेशियो आ जाएगा तो इनके समय का जो अनुपात आ गया इसको हम यहाँ से हटा देते हैं इनके जो समय का अनुपात आ गया पच्चीस पैंतीस और बयालीस और दिया है क्वेश्चन में कि डॉक्टर राम राधा की तुलना में मूल्यांकन का कार्य पूरा करने के लिए दस दिन कम लेते हैं तो दस दिन कम लेते हैं तो सही है यहाँ पे दस दिन दिया है यानी इनकी इफिशियंसी क्या है इसी रेशियो में यानी दस की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दस दिया हुआ है तो एक की वैल्यू एक हो जाएगी तो हम कहेंगे इनको इनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा इनके द्वारा लिया गया समय पच्चीस पैंतीस और बयालीस दिन ही होंगे अब यह वैल्यू क्या होगी एप्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है न कि रेशियो वैल्यू है यह वैल्यू रेशियो वैल्यू थी अब क्या कि अब एक्चुअल में उनको काम करने में पच्चीस दिन पैंतीस दिन और बयालीस दिन लग रहा है तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर राम मूल्यांकन का कार्य शुरू करते हैं दस दिनों तक काम करते हैं उसके बाद डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती है डॉक्टर राधा अगले पंद्रह दिनों तक मूल्यांकन करती है फिर बंद करती है वह फिर वह काम डॉक्टर कला के द्वारा किया जाता है शेष मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए डॉक्टर कला कितने दिन लेंगी यानी अब यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन क्या हो चुका है नॉर्मल हो चुका है कि अब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि डॉक्टर राम किसी काम को पच्चीस दिन में डॉक्टर राधा पैंतीस दिन में डॉक्टर कला बयालीस दिन में करते हैं तो डॉक्टर राम शुरुआत के दस दिन तक काम करते हैं उसके बाद काम छोड़ हैं उसके बाद डॉक्टर राधा करती हैं पंद्रह दिन तो फिर जो शेष काम बचता है तो उसको डॉक्टर कला कितने दिनों में कर लेंगी तो सिंपल like. है अब यहाँ से अगले पेज पर चलते हैं देखते हैं कि दिया हुआ है कि डॉक्टर राम का कितना है पच्चीस पैंतीस बयालीस तो राम किसी काम को पच्चीस दिन में राधा पैंतीस कला बयालीस दिन में करती अभी तो हमने इसका एलसीएम निकाला था कितना आया था ठीक है और जब हमने पच्चीस से यही तो था बयालीस तीस पच्चीस जब पच्चीस से हम हमने किया था तो हमको कितना मिला था नंबर बयालीस पैंतीस से किया था तो कितना आया था पैंतीस से पैंतीस से किया था सॉरी अच्छा पैंतीस नहीं था देख लेते इसमें देखो पैंतीस से करेंगे तो सात पचे पैंतीस छः पंजे तीस तो आ जाएगा तीस और बयालीस से जब भाग दोगे तो कितना आएगा बयालीस से भाग देंगे तो कितना पाँच देख लेते इसमें 642 यानी 25 ठीक इनकी इफ़ेंसी का रेशियो आ गया कितना बयालीस रेशियो तीस रेशियो पच्चीस इसमें सब खेल यही आपको एलसीएम थोड़ा सा तेज़ी से करना है आप कहीं कोने में से इनका फैक्टर निकाल के रख लीजिएगा अपने पेपर में सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन जिससे क्या होगा कि आपको मतलब मुझे तो इसमें थोड़ा सा स्क्रीन में बार बार इधर उधर करके देखने पड़ रहा है तो आप यहाँ पर कर करके रखे रहेंगे तो आपको तेज़ी से क्या हो जाएगा निकाल सकोगे तो इनके हमको इनका एल सी एम पता इनका कार्य ओ कार्य क्षमता पता चला गया पता चल गया तो अब देखो डॉक्टर राम क्या करते हैं पहले दस दिन तक काम करते हैं फिर डॉक्टर राधा करती हैं पंद्रह दिनों तक तो बाकी शेष काम को क्या करते हैं शेष काम डॉक्टर कला करते हैं कितना शेष काम वही पूछा रहे कितना दिन इनको लगेगा तो देखो डॉक्टर राधा अगर पहले बयालीस इनकी क्षमता है दस दिन तक काम करेंगे तो चार सौ बीस काम कर देंगे और तीस इनकी कार्य क्षमता डॉक्टर राधा की तो कितना हो गया 420 प्लस 530 यानी 450 यानी टोटल काम कितना हुआ 870 ठीक है तो शेष काम कितना बचा शेष काम टोटल कितना था 1050 यूनिट है 870 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 180 यूनिट 180 यूनिट को किसे करना है डॉक्टर कला को तो इनकी क्षमता कितना है 25 तो 25 से करेंगे तो कितना दिन लगेगा तो पच्चीस सत्ते एक पचाथ 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 सौ पचहत्तर पच्चीस सत्ते पचहत्तर पचास पचास दूनी सौ सात दसमलव दो दिन कौन सा ऑप्शन है इसमें ए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा कर लीजिएगा इसमें दो चीज़ें जाननी आपको आवश्यक है एक तो आपको क्या रेशियो इक्वेट करना आना चाहिए या बराबर करना आना चाहिए दूसरा इसमें थोड़ा सा एलसीएम निकालना आना चाहिए तेज़ी से दो चीज़ें आप देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया है अभी तक जितना हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सबसे अच्छे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ही आए हुए हैं फिफ्टी टू एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में छः दिन लेते हैं बी और सी पंद्रह दिन लेते हैं ए और बी सी पाँच दिन लेते हैं तो एक साथ काम करते हैं ए और सी उस काम को पूरा कितने कर लेंगे आसान क्वेश्चन है ए बी छः दिन बी सी पंद्रह दिन ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में पाँच दिन में एलसीएम कितना हो जाएगा नब्बे ले ले तो कितना हो जाएगा छः से करेंगे पंद्रह छक्का नब्बे छ और अट्ठारह पच्चीस नब्बे ठीक है ए और सी उस काम को करने में कितना समय लगेगा तो पहले पूरी क्षमताएं हमको निकालने देखो बी और ए यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है अट्ठारह और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है पंद्रह ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है पंद्रह तो आप सी की कार्य क्षमता बोलोगे कितना तीन उसी तरह बी और सी की कार्यक्षमता छः है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी बारह तो हमसे पूछा है कि एक साथ काम करते ए और सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे तो दोनों का कितना और इफिशियंसी बारह नाम काम कितना है नब्बे पंद्रह छक्का नब्बे बी अगला क्वेश्चन ए और बी एक काम को क्रमशः कितना चौबीस और बारह दिनों में कर सकते हैं ए बी सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी चार दिनों में तो यदि काम को ए और बी के द्वारा शुरू किया गया और वे केवल तीन दिनों तक तो के लिए काम करते हैं तो शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया गया तो सी ने कितने दिनों तक तो के लिए काम किया था तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है देखो इनका एल्सियम कितना चौबीस तो एक बी की कार्य क्षमता दो और सी की छः तो इन्होंने कितना ए और बी की इफिशंसी तीन और कितने तीन दिन तक के लिए काम किया तो तीन त्रिक्का नौ तो शेष काम कितना बचा सेस काम बचा नौ और सी की कार्य क्षमता कितना देखो ए और बी की कार्य क्षमता दो एक तीन है और टोटल कार्यक्षमता छः है तो सी की कार्य क्षमता कितना तीन आ जाएगी तो नौ बटा में तीन कर दोगे तो कितना तीन दिन तीन अच्छा नौ है ना तो अब कितना बचा है पंद्रह काम बचा है तो तीन बचे पंद्रह कौन सा अगला सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से थोड़ा मैं तेज़ी से करा रहा हूँ तो कहीं कहीं हो सकता है गलती हो जाए और क्योंकि ये आसान क्वेश्चन थे जो आसान क्वेश्चन उनको मैं थोड़ा तेज़ी से कराने का प्रयास कर रहा हूँ देखते रहे करिए आप कैलकुलेशन सी एक काम को पूरा करने में बीस के लिए बीस से दोगुना समय लेता है देखो सी क्या है बी से दोगुना समय लेता है अगर इसको एक मिनट लगता है तो इसको दो मिनट लगेगा और ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से तीन गुना समय लेता है अगर सी को दो मिनट लगता है तो सी को कितना छः मिनट लगता है ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं देखो एक एक रेशियो वैल्यू है ठीक है ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं एक काम के पूरा होने से छः दिन पहले छोड़ देता है बी काम पूरा होने से तीन दिन पहले छोड़ देता है सी छोड़ देता है। और सी एक दिनों के लिए काम करता है अगर अकेले बी उसी काम को सोलह दिनों में पूरा कर सकता है तो कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा तो बी कितना दिया है सोलह दिनों में एक की वैल्यू सोलह तो दो की वैल्यू कितना बत्तीस और छः की वैल्यू सोलह छक्का का छानबे ठीक है अब हम इनका सही से लिख देते हैं ए बी और सी छानबे सोलह और बत्तीस इनका एलसीएम कितना बत्तीस छानबे ले सकते हैं तो इनकी इफ़िशंसी का रेशियो कितना हो जाएगा छानबे से भाग देंगे तो एक सोलह छक्का छानवे बत्तीस दिया हाँ ठीक छानबे अब उसके बाद क्या करना है बोला कि एक काम के पूरा होने से छः दिन पहले काम छोड़ देता है तो चलो हम मान लेते हैं कि पूरा क्या काम समाप्त होने में अस्सी एक दिनों के लिए काम करता है और बी काम पूरा होने के तीन दिन पहले छोड़ देता है और सी एक दिनों के लिए काम करता है तो यानी सी ने क्या किया है अगर बी काम पूरा होने से पहले छोड़ दे रहा है और ए भी पूरा काम होने से पहले छोड़ दिया तो यानी काम के लास्ट तक कौन था सी था तभी तो काम पूरा हुआ होगा तो सी तो ने कितने दिन तक काम किया एक सौ दिन तक काम किया है तो अगर मैं कहूँ सी कितने दिन तक काम किया है तो सी की कार्य क्षमता तीन है तो इसने एक दिन तक काम किया प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया है बी ने काम किया है आपका एक माइनस तीन दिन क्योंकि तीन दिन पहले छोड़ दिया है और ए ने ए का दिया है छः दिन पहले छोड़ देता है छ दिन इस प्रकार जाके छानबे यूनिट क्या होता है पूरा काम होता है तो देखो तीन गुड़ी एक्स प्लस बी की कार्य क्षमता छः एक माइनस तीन ए की कार्य क्षमता एक एक्स माइनस सिक्स बराबर कितना छानबे साल्व कर लें इसको तीन एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस अट्ठारह एक्स माइनस छः बराबर कितना छानवे छः एक सात तीन दस अट्ठारह छः चौबीस तो छानवे प्लस चौबीस जोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना एक सौ बीस यानी एक्स बराबर कितना दस तो पूछा है कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा तो तो कितना हो जाएगा अच्छा एक बारह एक सौ बीस बटा दस करेंगे था बारह कौन सा डी अगला क्वेश्चन ए बी सी एक काम को बारह दिनों में पूरा कर सकते हैं हम ए चौबीस दिनों में काम को पूरा कर सकता है और बी उसी काम को बत्तीस दिनों में पूरा कर सकता है सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप निकाल लोगे इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ छानबे दिन आएगा ठीक है अगला क्वेश्चन ए और बी बारह दिनों में ठीक है ए अकेले वो अट्ठारह दिनों में कर सकता है और ए बी ने काम शुरू किया ए और बी ने काम से चार दिनों के बाद ए छोड़ दिया बी बाकी द्वारा बाकी बी बा, द्वारा बाकी काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा आसान क्वेश्चन है फिर भी देखो कर देता हूँ ए और बी एक साथ काम को कितने दिनों में बारह दिनों में करते हैं ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में अट्ठारह दिनों में करता है ठीक है और क्या दिया है? तो ए और बी चार दिन तक करते हैं उसके बाद ये छोड़ के चला जाता है बाकी काम बी कितने दिनों में करेगा तो बारह अट्ठारह कैल्सियम कितना हो जाएगा बारह तियाई छत्तीस बारह दूनी अट्ठारह दूनी छत्तीस तीन रेशियो एक का इनका एफिशिय का रेशियो आ गया तो ए लोग क्या करते हैं दोनों ए और बी मिलकर कितना सात काम करते हैं चार दिन तक लिए बारह यूनिट काम हो गया अभी कितना काम बचा है चौबीस यूनिट किसको करना है किसको करना है बी को करना है तो दोनों का देखो ए और बी की एफिशंसी तीन है और ए की अकेले एक है तो बी की कितनी होगी दो तो यानी कितना दिन लगेगा बारह दिन तो बारह दिन छत्तीस अट्ठारह दोनी छत्तीस तो दो और तीन यूनिट यानी पांच यूनिट तो ए अकेले ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं तीन तो की यूनिट चार है बारह दिन तक काम चार दिन तक काम करते थे यानी बारह यूनिट काम हो गया अभी कितना चौबीस यूनिट बचा है दोनों को मिला की क्षमता इफिशियंसी तीन है और एक की अकेले दो है तो बी की कितनी होगी क्षमता एक तो बी चौबीस यूनिट काम करने में कि, कितना दिन लगेगा चौबीस दिन लगेगा सत्तावन ए राम जिस काम को आठ दिनों में करता है रावण उसी काम को दस दिनों में करता है ठीक है अगर वे दोनों मिलकर उस काम को तीन दिनों तक करते हैं तो वो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें देखो राम किसी काम को आठ दिन में और रावण दस दिनों में करता है तो हम मान लेते हैं पूरा काम कितना चालीस यूनिट तो पाँच और ये चार अब बोला कि दोनों लोग मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं दस दिनों तक सॉरी अगर वे दोनों लोग मिलकर तीन दिनों तक तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो पाँच चार नौ यूनिट तो कितना काम हो जाएगा तीन दिनों तक सत्ताईस अभी कितना काम बचा तो पूछ रहा है तो बचे हुए काम बचे हुए भाग को ज्ञात करें तो अभी काम कितना बचा है तेरह यूनिट तो तेरह यूनिट बचा पूरा काम कितना है चालीस तो कितना भाग बचा है तेरह बटा में चालीस सत्तावन का बी अगला काम क्वेश्चन राजा रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमश बारह पंद्रह तीस दिनों में कर सकते हैं राजा रवि और कुमार ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः पाँच काम पूरा होने के पाँच और चार दिन पहले छोड़ दिया और शेष काम को राजा ने किया यदि कुल काम के लिए पंद्रह का वेतन दिया गया तो राजा और रवि के लिए कुल राशि कितनी है सिमिलर क्वेश्चन लगातार वही एक ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आते जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत अच्छे थे जो बीच में आए बाकी लगभग लग सेम है राजा रवि और कुमार कितने दिनों में काम कर सकते हैं बारह पंद्रह और कितना तीस दिनों में यही ना राजा रवि और कुमार क्रमश बारह पंद्रह तीस दिनों में देखो एल्सियम ले लो के रेशियो कितना हो जाएगा बारह पंजे साठ पंद्रह चौक साठ तीस धुनी साठ अब आगे दिया कि राजा रवि और कुमार ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः काम पूरा होने के पांच और चार दिन पहले छोड़ दिया शेष काम राजा ने किया तो हम मानते हैं कि पूरा काम कितने दिन तक चला होगा डी दी दिनों तक आइए देखते हैं पूरा काम कितना है साठ यूनिट किस प्रकार से हुआ है कि देखो रा、राजा ने पूरा लास्ट तक काम किया है तो राजा ने राजा की कार्य क्षमता पाँच है तो पूरा काम लास्ट तक किया तो फाइव डी काम किया होगा और रवि और कुमार क्या करते हैं पाँच और चार दिन पहले छोड़ देते थे तो रवि की कार्य क्षमता चार है कितने दिन पहले छोड़ दिया पाँच और कुमार की कार्य क्षमता दो कितने दिन पहले पाँच दिन पहले साल कर लेते हैं फाइव डी प्लस फोर डी माइनस ट्वेंटी टू डी माइनस दस पाँच दो सात चार ग्यारह माइनस में तीस ठीक है यहाँ सॉरी चार चार दिन पहले छोड़ देता है तो कितना फाइव डी फोर डी टू डी और यहाँ आठ हो जाएगा तो कितना हो गया ग्यारह डी और ये कितना हो जाएगा बीस साठ अट्ठाइस बराबर में साठ बीस साठ अट्ठाइस होगा तो डी बराबर अट्ठासी बटा ग्यारह यानी आठ दिन आठ दिन में क्या होता है पूरा काम समाप्त हो जाता है तो हमको पता है पारिश्रमिक कितना इनको मिला है यदि कुल पंद्रह सौ रुपये का पारिश्रमिक मिला है वेतन दे तो राजा और रवि के लिए कुल कितनी राशि होगी तो जितना ये लोग काम करेंगे तो टोटल काम कितना हुआ है देखो पाँच अगर यूनिट देखो राजा करता है रवि चार यूनिट और कुमार कितना दो यूनिट तो आठ दिन इनको लगता है तो कितना काम किए होंगे आठ पंजी चालीस आठ चौक बत्तीस और ये आठ धुनी सोलह तो राजा पूरा आठ दिन काम करता है तो आठ दिन के लिए और रवि क्या करता है पाँच दिन पहले छोड़ देता है यानी तीन दिन के लिए इसने काम किया देखो इसने पूरे आठ दिन के लिए इसने पूरे तीन दिन के लिए और ये चार दिन पहले छोड़ देता था इसने चार दिन के लिए काम किया तो इनके द्वारा किया गया वर्क यूनिट कितना है तो यह आठ पंजे चालीस चार तीन बारह और चार दुनिया आठ तो पूरा काम कितना हुआ बारह आठ बीस साठ यूनिट साठ यूनिट की वैल्यू कितना दिया है पंद्रह सौ रुपया ठीक है तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा डेढ़ सौ बटा में मतलब पंद्रह सौ बटा साठ यानी पच्चीस अब से क्या पूछा तो राजा और रवि के लिए कुल कितनी राशि है तो राजा और रवि ने मिलकर कितना काम किया भाई बावन यूनिट तो इनको बावन गुड़े पच्चीस रुपये के हिसाब से मिल जाएगा कितना हो जाएगा पच्चीस दुना पचास पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस और एक सौ पच्चीस पाँच एक सौ तीस अगर तीन पुरुष प्रतिदिन चार घंटे काम करते हुए दस दिनों में एक काम को कर सकते हैं तो पांच पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को कर सकते हैं अगर वे आठ दिनों के लिए काम करते हैं तो देखो तीन पुरुष तीन पुरुष चार घंटा दस दिनों में एक काम को ख़त्म करते हैं तो पांच पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे हमसे पूछ रहा टाइम पूछा है अगर वे कितना आठ दिन के लिए काम करते हैं तो पाँच धूनी दस चार धूनी आठ दो से दो कट गया कितना तीन घंटा तो उनसठ का डी साठ अगर यम एक काम को दस दिनों में एन उसी काम को तीस दिनों में करता पी उसी काम का पैंतालीस दिनों में करता है तो उसी काम को एम एन पी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे यह क्वेश्चन ईजी है आप कर लीजिएगा अपने से इसका आंसर आएगा छः सही तीन बोटा ए बी और सी क्रमशः दस दिनों तीस दिनों और बारह दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं बीच शुरू में बीच छः दिनों के लिए अकेले ही काम करता फिर ए सी उसके साथ जुड़ जाते फिर कि, कि, कितने दिनों में सभी एक साथ में लेकर शेष काम को पूरा कर लेंगे इस प्रकार के कितने दस पंद्रह से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं सेम इसी पैटर्न पर तो इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ मैं तीन सही नौ बटा तेरह आएगा आप खुद से सॉल्व करिएगा इसको ए और बी एक साथ ए और बी एक साथ एक काम को बारह दिनों में कर सकते हैं बी और सी पंद्रह दिनों में और ए सी उसी काम को तो कितने दिनों में सिमिलर क्वेश्चन है इसमें आंसर होगा आपका बासठ का डी ये सब क्वेश्चन आपके लिए समझिए होमवर्क है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे कितने बारह लगभग बीस पच्चीस क्वेश्चन हो चुके हैं तो सिमिलरली वो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है जहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पे कुछ नया कुछ अप्लाई करना होगा उसे मैं जरूर बताऊँगा बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन उनको छोड़ते जा रहे हैं ए और बी व्यक्तिगत रूप से इतने दिनों में ए और बी क्रमशः इतने इतने दिनों में किसी काम को पूरा सकते तो पूरे काम को मिलकर पूरा करने के लिए बी कितने दिनों में आवश्यकता होगी सिमिलर इसका आंसर सी है कह रहा है कि ए और बी एक साथ बारह दिनों में किसी एक काम के कुछ भाग को कुछ भाग है मान लो चाहे एक बटा दो हो या हो सकता है पूरा काम कर देते हो हम मुझे ये नहीं पता लेकिन आगे क्या दिया है कि ए व्यक्तिगत रूप से 24 दिन में उसी काम को यानी जितना भाग ये करता है उसको 12 दिन लगता है तो दोनों मिलकर और उसी काम को ये क्या इतने चौबीस दिनों में कर देता है तो यानी सेम काम है दोनों का सेम काम को हमको दे रखा है कितना है ए प्लस बी चौबीस और ए कितना दे रखा है सॉरी ए और बी बारह और ए चौबीस अगर अच्छा यहाँ पे ये दिया होता कि ये और बी बारह दिन में एक काम के मान लेते हैं कि तीन बटा दो हिस्सों को करते हैं और ए उसी काम उस अब उस काम को ना दे के अगर बोल देता कि एक बटा मतलब एक काम को पूरा एक यूनिट करता चौबीस दिन में तो फिर आप यहाँ पर हिस्सा अप्लाई नहीं कर सकते थे लेकिन यहाँ पर काम क्या सेम है तो हम कर सकते हैं तो बारह एलसीय ले लिए चौबीस इफ़िशंसी कितना आ गया दो एक तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से आप कहोगे एक तो देखो ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं और एक पाँच दिनों बाद छोड़ देता है यानी ए और बी दोनों की क्षमता कितना है मिलाकर दो कितने दिन तक काम करते हैं पाँच दिन तक तो दस काम हो गया कितना काम बचा बारह तो बारह काम करने के लिए बी को कितना समय लगेगा बारह दिन सॉरी बारह का दस दिन दस हुआ तो चौदह काम बचा तो कितना लगेगा समय चौदह दिन अगला ए बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः पंद्रह बीस और बारह दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं ए बी और सी ने एक साथ ने एक साथ काम शुरू किया था लेकिन ए ने काम पूरा होने के छः दिन पहले छोड़ दिया और बी ने चार दिन पहले छोड़ दिया यदि कुल रकम पर एक सौ पंद्रह सौ का वेतन दिया गया तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना है अभी सिमिलर क्वेश्चन पीछे कराया जा चुका है कौन सा क्वेश्चन था हुँ? देखो यही था ना अट्ठावन राजा रवि करके बारह पंद्रह तीस था पंद्रह सौ था फिर राजा रवि के निकालना था हमको और इसमें क्या है बिल्कुल डाटा भी नहीं बड़ा बदला गया है इसमें बारह पंद्रह बारह बीस है उसमें कितना था एक बार देख लेते हैं रुक जाइए बारह पंद्रह तीस है बस केवल बीस या तीस है तो सेम क्वेश्चन है अट्ठावन और हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर छाछठ और क्वेश्चन नंबर एट्टी एट फिफ्टी एट सेम है आप अपने से कर लीजिएगा इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ अच्छा इसमें जो आंसर आएगा ए और बी के द्वारा वह जो वेतन मिलेगा वो पाँच सौ रुपये आएगा लेकिन ऑप्शन इसमें दिया नहीं है ठीक है इसका आंसर अगर आप पाँच सौ निकालेंगे तो आपका आंसर सही होगा आप ये मत सोचिएगा कि कहीं गलत निकाल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है तो मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ ई e, वो है पाँच सौ रुपया ठीक है अगला क्वेश्चन पी और क्यू एक साथ नौ दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं क्यू आर बारह दिनों पी आर अट्ठारह दिनों पी क्यू आर एक साथ को उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है बार बार इसका आंसर ये नोट कर लेना आठ आएगा बाकी आप अपने से सॉल्व करिएगा अड़सठ यदि आठ महिलाएँ दिन में बारह घंटे काम करके बीस दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं तो प्रतिदिन दो घंटे काम करके तीस दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर सकती हैं तो भाई सीधा है आठ गुड़े बारह गुड़े बीस बराबर में दो घंटे प्रतिदिन काम करके तीस महिला दिनों में कितनी महिलाएं महिलाओं की संख्या हमसे से पूछा जा रहा है तो साठ साल कर देना बीस तीन थी, साठ ठीक है बीस तीन साठ तीस धूनी साठ तो इसको काट दोगे बीस तीन थी तीन से काट दे तीन चौक बारह आठ चौक बत्तीस अड़सठ का भी भारत व्यक्ति आठ दिन में काम को पूरा कर सकते हैं शाम काम की शुरुआत के तीन दिन बाद तीन और लोग उनमें शामिल हो जाते हैं कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा तो देखो बारह आदमी पूरा काम आठ दिनों में समाप्त कर सकते हैं काम की शुरुआत के तीन दिन बाद तो तीन दिन तक क्या करते हैं बारह आदमी काम करते हैं उसके बाद कितने आदमी हो जाते हैं पंद्रह आदमी तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा बारह तीन छत्तीस बारह अठे छियानबे कितना बचा साठ तो पंद्रह चौकवा साठ उनहत्तर का कौन सा हो जाएगा तो अच्छा कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा तो तीन दिन पहले लगा चार दिन अभी तो सात दिन तो डी बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना चार हमसे पूछा क्या है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा तीन दिन पहले लगा था चार दिन अब लग रहा है तो कितना सात दिन ऐसा नहीं कि चार आपका चार आंसर आया चार मार देना तो गलत हो जाएगा सत्तर एक सिपाही ने एक गोदाम में की एक दीवार की सिपाही ने एक गोदाम की एक दीवार के बाहर की तरफ एक बिजली के बाड़ का निर्माण करने का निर्णय लिया इसके लिए उसने छः मीटर के अंतराल पर कई बाड़ स्तंभ लगाने की योजना बनाई जहां दीवार के दोनों छोरों पर स्तंभ लगे हुए हों हु। स्तंभ और तार खरीदने के बाद उसने पाया कि जितने स्तंभ उसने खरीदे थे उनकी संख्या आवश्यक की तुलना में पाँच कम थी हालांकि जितने स्तंभ उसने खरीदे उनकी संख्या पर्याप्त होगी अगर वह उन्हें आठ मीटर की दूरी पर लगाते हुए रखते हुए लगाता है तो हमें बताना है कि कितने स्तंभ होंगे और कितने दूरी पर लगाया जाए देखो एक बाढ़ है समझ लीजिए सर्किल है ठीक है इस पर बाढ़ लगाना था तो बिजली का तार लगाने का क्या एक सिपाही ने निर्णय लिया कि इस पर बिजली का तार खंभा मतलब बनाया जाएगा ठीक है तो उसने क्या सोचा कि छह उसके लिए उसने छह मीटर के अंतराल पर कई बाढ़ स्तंभ लगाने की योजना बनाई जहाँ दीवार के दोनों छरों पर स्तंभ लगे हुए हैं और तार के खरीदने के बाद उसने पाया कि जिसने जितने स्तंभ उसने खरीदे थे उनकी संख्या आवश्यक की संख्या में तुलना में कितना पाँच कम थी अगर जिसने उसने तार खरीदे और छः मीटर की दूरी पर उसने क्या किया लगाना शुरू किया तो यह पूरा पहुंचने से पहले ही उसका क्या है मतलब ये कहीं यहीं पे था तो इसको अभी भी पाँच बाढ़ की और रिक्वायरमेंट थी पाँच स्तंभ की ठीक है लेकिन अगर यही क्या है दूरी थोड़ा बढ़ा देता अब क्या करता था? जो पहले छः लगाता था अगर अब यही आठ मीटर पर लगाना शुरू कर दे तो यह स्तंभ यहाँ पूरा पर्याप्त हो जाएगा यानी सब में आठ मीटर की आठ मीटर की आठ मीटर की दूरी हो जाएगी तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड एंडवर्स से कोई मतलब नहीं है बिल्कुल लॉजिक है देखिए अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था लैम्प पोस्ट का जिसमें मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपको पाँच खंभे लगाने या चार खंभे लगाने हैं ठीक है और आपसे दिया है कि एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की दूरी एक मीटर है एक मीटर है तो पहले खंभे से दूसरे खम्भ लास्ट खंभे तक यानी चौथे खंभे तक के बीच में कितनी दूरी होगी या यहाँ पे हमने पाँच लिया तो पाँचवें खंभे के बीच में कितनी दूरी होगी तो आप तुरंत कह दो पाँच मीटर हैं जबकि ये आंसर गलत होगा कितना होता है हमेशा यन माइनस वन इन टू कितनी जो एक खंभे के बीच की दूरी है मान लेते हैं तो यहाँ पर एक मीटर दिया है तो डिस्टेंस कर देते हैं इस प्रकार से हमारा आंसर आता है कैसे देखो एक से पहले से दूसरे खंभे के बीच में दूरी एक मीटर फिर दूसरे से तीसरे में एक मीटर तीसरे से चौथे और पाँचवें चौथे से पाँचवें में एक मीटर तो टोटल दूरी कितना हुआ है एक दो तीन चार यानी चार मीटर तो आप इसको कैसे मेजर करते हो पूरा खंभा कितना है पाँच पाँच में से एक घटा दोगे और प्लस एक बीच एक खंभे के बीच की दूरी कितना है मान लेते हैं डी यानी डी मतलब डिस्टेंस इसके एक से दूसरे खंभे के बीच की दूरी एक मीटर है तो टोटल कितना हो जाएगा चार गुड़े एक बराबर चार मीटर देखो सेम लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे तो टोटल हमने खंभा मान लिया है खंभों की संख्या ठीक है टोटल क्या पे बाढ़ बाढ़ों की संख्या मान लेते हैं यहाँ पे कितना है यन है ठीक है तो यन बाढ़ है तो हमको पता है कि एक से यानी एक बाढ़ हम कम कर देते हैं फार्मूला हमने यहाँ बताया था यन माइनस वन इंटू डी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ में लिख देता हूँ याद कर लेना एन माइनस वन इंटू डी ये क्या होगी आपकी टोटल डिस्टेंस होगी या टोटल जो काउंट होगा मीटर जो भी कुछ पूछा जाए तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हमने यन मान लिया बाड़ों की संख्या तो पहले यन माइनस वन कर देंगे चूँकि इसमें क्या दिया होगी उनकी संख्या आवश्यक संख्या की तुलना में पाँच कम थी तो पाँच अगर और हम इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है यह बाढ़ पूरा कंप्लीट हो जाता है यानी सर्कल का पेरीमीटर परिमाप हमें मिल जाता है यानी दोनों कंडीशन में चाहे हम आठ मीटर लगाएं चाहे छः मीटर लगाएं जो इसमें ताल लपेटा जाएगा जिसकी पूरी लेंथ क्या होगी वो समान होगी तो बस वही हम समान कर रहे हैं तो पहले कंडीशन में अगर हम यन मान लें यन खंभा या छः मीटर की दूरी पर लगा रहे हैं तो पाँच मीटर पाँच खंभे कम पड़ जा रहे हैं तो पाँच खंभे हमने क्या किया और जोड़ दिया इसमें और अब देखते हैं इसके इसका जो पूरा लेंथ आएगा तार का कितना होगा यन माइनस वन प्लस फाइव इंटू डी कितना है छः यह क्या होगा टोटल तार का परिमाप आ जाएगा उसी प्रकार दूसरी बार में अगर हम मान लेते हैं यन माइनस वन और आठ मीटर पर लगाते हैं तो अब तार का परिमाप इतना आ जाएगा और हमको पता तार का परिमाप दोनों कंडीशन में क्या है समान है अब इसको हम इक्वल करते देते हैं एन माइनस वन प्लस फाइव इंटू सिक्स बराबर में एन माइनस वन इंटू एट यही है ठीक है अब आगे देखिए साल्व कर लेते हैं इसको कितना हो जाएगा एन माइनस चार और छन माइनस वन इंटू एट साल्व करिए सिक्स ये। एन माइनस चौबीस एट एन माइनस एट छः को इधर लेके आएंगे तो टू एन ठीक है और ए प्लस होगा और चौबीस को इधर आठ को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा सोलह आठ चौबीस एन बराबर कितना आठ ठीक है तो टू एन प्लस कितना बत्तीस एन बराबर सोलह तो हमसे क्या पूछा है तो पूछा है कि हालांकि जितने खम्भ अस्तम्भ उसने खरीदे उसकी संख्या उनकी संख्या मतलब हमसे खंभों की संख्या पूछ रहा है तो खंभे तो सोलह हो जाएंगे और क्या पूछा है और कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी तो किसी एक किस्म में रख देते हैं इसी में मान लो रख देते हैं यन माइन इसी में रख देते हैं तो तारों तार कितना परिमाप कितना हो जाए तार का परिमाप यन की संख्या हमने निकाल लिया सोलह यानी पंद्रह पाँच बीस और गुड़े छः यानी कितना हो जाएगा तार का परिमाप एक सौ बीस मीटर तो 16 मीटर और 120 मीटर 70 का बी डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि कोई टाइम एंड डिस्टेंस है मतलब इसमें अरे अर सॉरी टाइम एंड वर्क से इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन मनीष चालीस दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है यदि रणजीत मनीष की तुलना में साठ परसेंट अधिक कुशल है तो अकेले काम को पूरा करने के लिए रणजीत द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें यानी मनीष और रणजीत दिया हुआ रणजीत क्या साठ परसेंट अधिक कुशल है इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर मनीष पांच काम किसी काम को पाँच दिन में करता तो है तो रणजीत उसके उसको यानी मनीष की अगर एफिशियंसी पाँच है तो रणजीत की इफिशियंसी कितना होगी आठ होगी देखो साठ परसेंट का मतलब कितना होता है बीस परसेंट अगर हम कहें तो एक बोटा पाँच तो साठ क्या होता है तीन गुना हो जाता है तो पाँच अगर ये हो तो आठ हो जाएगा सीधा है तो टाइम का रेशियो तो इफिशियंसी इफिशियंसी का रेशियो तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आठ अनुपाते में पाँच और हमको दिया क्वेश्चन में कि मनीष किसी काम को चालीस दिन करता है यानी पाँच गुना तो कितना पच्चीस कौन सा ऑप्शन इकहत्तर का ए बहत्तर देखते हैं ए बी सी किसी काम को एक हिस्से को अलग अलग इतना दिनों में कर सकते हैं यदि वे काम के पूरा होने पर तक बारी बारी से काम करते हैं पहले बी पहले दिन बी दूसरे दिन सी और तीसरे दिन ए फिर चौथे दिन बी और इसी प्रकार काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता हो होगी आसान क्वेश्चन है देखो ए बी और सी क्रमशः बारह आठ और चौबीस यानी हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा चौबीस दो तीन एक पहले बी करता है फिर सी करता है फिर ए करता है इसका मतलब तीन एक और दो यानी अगर हम शुरुआत के तीन दिनों तक तो तो देखें तो कितना कार्य होता है तीन एक चार दो छः यूनिट पूरा काम कितना है चौबीस करना है तो चार दिन और लगेगा यानी चार तीन यहाँ चार दिन लगेंगे पूरा एक दिन का हमने यूनिट बना रखा है तीन दिनों में यानी तीन दिनों में क्या है चौबीस छः काम होता है तो छः जो चौबीस यानी तीन तीन दिन का इस तरह से निकालेंगे तो चार दिन लगेगा जबकि एक दिन को हमने क्या लिया है तीन दिन के बराबर तो चार दिन किसके बराबर आ जाएगा बारह दिन के बराबर कौन सा आंसर होगा का सी अगला क्वेश्चन ए बी कम सब इतने दिनों में काम कर सकते हैं वे एक साथ को काम शुरू करते हैं लेकिन दस दिनों के बाद ये छोड़ देता शेष कार्य अकेले बी द्वारा किया जाता काम को पूरा करने के लिए गए दिनों की कुल संख्या पता लगाएं तो आसान क्वेश्चन नहीं तो इस प्रकार क्वेश्चन हो चुके हैं तो तिहत्तर का इसका आंसर देख लीजिए इसका आंसर सी आएगा साक्षी एक काम को बीस दिनों में कर सकती है तान्या साक्षी से पच्चीस परसेंट अधिक कार्य सक्षम वही काम पूरा करने के लिए तान्या को लगने वाला समय क्या है अभी सत्तरवां क्वेश्चन या इकहत्तरवां क्वेश्चन इसी प्रकार था तो चौहत्तर का कौन सा हो जाएगा बी है इसका आंसर है पचहत्तर देखिए एक आदमी एक काम को पंद्रह दिनों में कर सकता है उसके पिताजी इसी काम के लिए बीस दिन, दिन, दिन और उसका बेटा पंद्रह दिन लगाते हैं एक आदमी काम को पंद्रह दिनों में कर सकता है उसके पिताजी इसी काम के लिए बीस दिन और उसका बेटा पच्चीस दिन लगाते हैं यदि सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में कर सकते थे देखो आदमी है कोई वह पंद्रह दिनों में उसके पिताजी हैं वह लेते हैं बीस दिन और बेटा जो उसका है उसका कितना पच्चीस दिन लेता है तो तीनों मिलकर कितने दिनों करेंगे हम दो सौ दो सौ ले लें ले? या तीन सौ तीन सौ देखते हैं तो इनका हो जाएगा बीस पंद्रह और ये कितना हो जाएगा पच्चीस से कम पच्चीस यानी बारह ठीक है तो पूछा तो वह काम के यदि सभी साथ मिलकर करें तो वह कितने दिन पूरा हो जाएगा तब पच्चीस बारह सत्ताईस ठीक है और बीस सैतालीस यानी तीन सौ बटा सैतालीस तीन बटा में सैंतालीस छः बार ले जाते हैं छः सत्य बयालीस छः चौ चौबीस चार अट्ठाईस यहाँ अट्ठारह दिन बचा दस व लगा दिए अब कितना बार तीन बार चार बार नहीं चार बार नहीं जाएगा तीन बार तो फिर उसके बाद कुछ आएगा तो लगभग यही क्या है करीबन छह दिन और चार दिन छिहत्तर चौबीस आदमी एक काम को पैंतीस दिन में कर सकते हो उसी काम को इक्कीस दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता हो होगी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कर लेना इसको इसमें आंसर चालीस आएगा अगला सतीश हरीश मोहन किसी कार्य को इतने दिन कर तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तीन दिन इसका आंसर है सतीश दस मिनट में पाँच सौ शब्द टाइप कर सकता है तथा सुनीता दस मिनट में 400 शब्दों को टाइप कर सकती है तो वे दोनों मिलकर कितने समय में छत्तीस शब्द टाइप कर लेंगे देखो टाइप अच्छा क्वेश्चन है यानी हम कहें कि सतीश का दिया है क्या कि 10 मिनट में पाँच सौ टब्द यानी एक मिनट में 40 उसी प्रकार सुनीता 400 शब्द 10 मिनट में तो एक मिनट में 40 ठीक है यानी एक मिनट में दोनों मिलाकर नब्बे शब्द टाइप कर सकते हैं तो हमको कितना शब्द करना है छत्तीस सौ यानी कितना चालीस मिनट लगेगा चालीस गुड़े छत्तीस यानी छत्तीस थी सौ ठीक है अरे एक मिनट में नब्बे करते हैं तो छत्तीस सौ टाइप करने में कितना लगेगा छत्तीस सौ बटामे नब्बे सीधा कर दोगे तो कौन सा आंसर होगा अठहत्तर का ए अगला क्वेश्चन बारह पुरुष के सत्रह दिन के भोजन पर ग्यारह सौ पांच रुपए का खर्च आता है सत्ताईस दिनों के दिन के भोजन के लिए ग्यारह सौ सत्तर का खर्च कितने पुरुषों के लिए काफ़ी होगा तो ये सेम क्वेश्चन तो बहुत पहले ही शुरू में ही आ गया था शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था ये तो इसका आंसर कितना था आठ पुरुष आ रहा था इसको जब मैंने पहले ही दिन सॉल्व करवाया पहले भी वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है यह बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है जब हम टाइम एंड वर्क का जब शुरुआत करवा रहे थे उसमें पहला ही क्वेश्चन आया था ये आठ बच्चे बारह आदमी किसी काम को नौ दिनों में पूरा करते हैं प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दोगुना समय लगता है यानी एक बच्चे का एक आदमी से जो समय का अनुपात दिया है क्या है दो अनुपात एक तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा एक अनुपात दो में तो आगे क्या दिया है तो बोला कि बारह आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे तो देखो आठ बच्चा बारह आदमी किसी काम को नौ दिनों में करते हैं तो हमसे पूछा है कि बारह आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे तो हमने इफ़िशेंसी वाले एक और दो का तो आठ प्लस बारह दूनी चौबीस गुड़े नौ बारह गुड़े दो गुड़े डी तो चौबीस आठ बत्तीस गुड़े नौ बराबर में बारह इंटू टू इंटू डी देखो इसको हम काट देते हैं दो से सोलह तीन से काटते हैं तीन त्रिका नौ तीन चौकवा बारह चार से काट देंगे तो चार मतलब चार चौका सोलह यानी डी बराबर कितना हो जाएगा बारह दिन इक्यासी का कौन सा आंसर होगा बारह बयासी सोलह आदमी आद दिन में चौदह घंटे काम करके किसी कार्य को बारह दिनों में पूरा कर सकते हैं अट्ठाईस आदमी बारह घंटे काम करके उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे तो आप सीधा फार्मूला लगाना है एम वन डी वन ठीक है टी वन बराबर एम टू डी टू टी टू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से इसका आंसर आएगा डी सी इजी क्वेश्चन इसलिए मैं इन सब क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इन तरह के क्वेश्चन पीछे कई क्वेश्चन करा चुका हूँ तो बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन कराने से क्या मतलब है तिरासी दो अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः दस घंटों और पंद्रह घंटों में भरते हैं अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी आसान क्वेश्चन है इसका आंसर है छः घंटा चौरासी देखते हैं एक नया क्वेश्चन एक तमाम से देखो दो टैंक पाइप एक टैंक को क्रमशः कितना मान लो पाइप वन पाइप टू किसी टैंक को क्रमशः दस मिनट और बारह मिनट में भर सकते हैं और एक निकासी पाइप लगी हुई है ठीक है एक निकासी पाइप लगी हुई है वह क्या करती है प्रति मिनट नौ मिनट प्रति मिनट नौ गैलन काली करती है यानी एक मिनट में क्या है नौ गैलन कितना प्रति मिनट हमसे पूछा कि तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को तीस मिनट में भर सकते हैं तो टैंक की क्षमता पता लगाएं तो देखो ये दस मिनट में पी टू पाइप बारह मिनट में और अगर एक निकासी पाइप भी उसमें जोड़ दी जाए हमें जिसको पी थ्री नाम दे देते हैं ठीक है तो तीस मिनट में भर सकते हैं हम इसका एलसीएम ले लेंगे साठ तो पहला कितना हो जाएगा बारह पंजे दस पाँच और इसकी इसकीफ़ेंसी कितनी हुई दो दूनी साठ लेकिन ध्यान देना कि निकासी पाइप है तो निकासी पाइप में क्या होता है कि ये पानी निकाल रहा है न कि भर रहा है तो यानी अगर ये दोनों मिल के कितना यानी पाइप पी वन प्लस पाइप P2 मिलकर कितना भरते हैं अगर 11 यूनिट भरते हैं और तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं दो यूनिट इसका मतलब जो नौ यूनिट पानी कम हो रहा है जबकि इसके मिलने से कुछ बढ़ना चाहिए जबकि लेकिन हुआ क्या कि यह निकासी पाइप है तो यह क्या है इतना ग्यारह मिनट जैसे एक मिनट में ये दोनों मिलकर ग्यारह मिनट पानी भरते हैं तो उसी एक मिनट के अंदर अंदर में यह क्या करती है नौ मिनट पाइप पानी निकाल देती है जिससे क्या एक्चुअल में कितना भरता है टंकी केवल दो लीटर तो इसकी क्षमता कितना हुआ पी पाइप की वह हो गया माइनस नाइन इसको माइनस से डिनोट करेंगे इसलिए क्योंकि यह निकाल रहा है पानी ठीक है तो देखो अब क्वेश्चन कुछ भी रहा नहीं टोटल कितना मिनट के लिए खुला है टेंक तीस मिनट के लिए तीनों पाइप एक साथ मिलकर तीस मिनट में भर देते हैं और हमको क्या है पता है इनकी क्षमता क्या है तीनों पाइप अगर एक साथ खुले रहते हैं तो उनकी अफिशेंसी क्या है दो मिनट तो तीस मिनट में अगर दो मिनट तीस मिनट और इनकी इफीशेंसी दो है से चलेंगे तो कितना होगा साठ गैलन क्या होगा इसकी क्षमता होगी ठीक एक बार और समझ लीजिए दिया था कि दो पाइप एक पाइप पी वन है एक पाइप पी टू है जिनकी क्षमता कम से कम दस और बारह मिनट में किसी टंकी को भर देते हैं अगर इनको और इनको केवल दोनों को रखा जाए तो यह केवल दस या बारह मिनट यानी पूरी टंकी भर जाएगी लेकिन होता क्या है कि एक निकासी पाइप लगा दी जाती है और जो वो है क्या करता है तीस मिनट में टंकी भर सकता है अगर तीनों को जोड़ दिया जाए एक साथ में तो तीस मिनट में पूरी टंकी भरेगी तो मैंने बोला कि पूरी मान लेते हैं टंकी की क्षमता कितना हुआ इसका एल्सीम ले साठ तो इससे पता चला कि अगर पूरे साठ लीटर टंकी को अगर अकेले पी को भरना तो केवल उसकी क्षमता छः है ठीक है उसको दस मिनट लगेगा पी को भर सेकेंड पाइप को भरना है तो बारह मिनट भर देगी तो इसकी फिर सी पाँच होगी और इन तीनों को साथ में जोड़ देंगे तो इनका एफिशिएंसी दो हो जाता है तो जबकि दोनों की एफिशिएंसी पी वन और पी टू की बारह है तो यह दो क्यों कम क्यों, क्यों हो रहा है बढ़ना चाहिए तीन पाइप जुड़ रही क्योंकि यहाँ पर पाइप थ्री जो है वो निकासी पाइप है वो क्या पानी को निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है अगर दोनों मिल भरेंगे तो बारह है तो बारह से सीधा दो हो रहा है सॉरी छः पाँच ग्यारह ग्यारह से दो हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि नौ यूनिट यह पानी उसमें से निकाल दे रहा है बस ये बताने के लिए समझा रहा हूँ बाकी इसको कोई ज़रूरत है नहीं तो हमको तीसरी पाइप की जो क्षमता पता चल गई कितनी है वह दो है ठीक है और तीस मिनट में टंकी को भर देती है तो टोटल कितना होगा हम जानते हैं वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी तो टोटल वर्क कितना होगा तीस मिनट है और दो इफिशियंसी तीस दोनों साठ गैलन ठीक देख लीजिएगा निकासी वाला क्वेश्चन भी आता है अगला क्वेश्चन एटी फाइव दो पाइप ए और बी क्रम से टंकी को पाँच और दस घंटे में सी बीस घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं सभी पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा देखो ए है बी है और सी है दिया ए पाँच घंटे में बी दस घंटे में और सी बीस घंटे में क्या टैंक को खाली कर सकता है इसको माइनस डोनेट किया करो दि... ताकि जिसे आसानी रहे समझने में हमने साठ ले लिया अब देखिए इसकी इफ़िशेंसी कितना हो जाएगी बारह इसका छः इसका तीन माइनस में कर दो तो तीनों को साथ में अगर जोड़ दें तो कितना होगा ये तो पहला बारह भरेगा दूसरा छः भरेगा लेकिन तीसरा क्या तीन निकाल देगा तो बारह छः अट्ठारह तीन पंद्रह तो तीनों मिल कर कितना साठ लीटर पानी भरना है अगर तो पंद्रह के हिसाब से यानी चार घंटा कौन सा आंसर होगा पचासी का सी अगला क्वेश्चन दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः पंद्रह और बीस पैंतालीस मिनट भर सकते हैं पाइप आर तीस मिनट में टैंक को खाली कर सकती है पी क्यू आर यह पंद्रह मिनट में भर सकता है यह पैंतालीस मिनट में भर सकती है और यह तीस मिनट में क्या टैंक को खाली कर देती है यदि पाइप पी को एक मिनट के खुला रखा जाए जाता है तो उसके बाद पाइप क्यू को एक मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप आर को एक मिनट के लिए खुला रखा जाता है और टैंक भरने की इस पद्धति को दोहराया जाता तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा वही बार बार जैसे काम होता था कि एक दिन एक काम करता फिर बी करता फिर सी करता है तो यहाँ पर पाइप है तो पाइप में हम देख लेते हैं तो इन सब का हम एलसीएम ले, ले लेंगे कितना नब्बे ठीक तो पंद्रह छक्का नब्बे पैंतालीस दुना नब्बे और तीस तिया तो इसकी क्षमता माइनस तीन हो गई तो पहले दिन के लिए बोला गया कि पहले पहले एक मिनट के लिए किसको खोला जाए पी को यानी छः यूनिट भर देगा फिर किसको भरा खोला जाए क्यू को दो और फिर आर को आर क्या करेगा तीन खाली कर देगा यानी शुरुआत के तीन मिनट में क्या होगा छः दो आठ में से तीन गया यानी पाँच यूनिट भरा जाएगा तीन मिनट में शुरुआत के केवल कितना पाँच यूनिट भरा जाएगा तो हमको भरना कितना पूरा नब्बे यानी सोलह यूनिट भरनी है पूरा सोलह टाइम्स सॉरी अट्ठारह अट्ठारह नब्बे, तो अट्ठारह यानी नब्बे यूनिट पूरा भरना है तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे अट्ठारह गुना कर देंगे अगर अट्ठारह गुना कर दोगे तो अट्ठारह तीन चौवन अब यह बताइए यह जो चौवन मिनट आ रहा है यह आंसर सही है यह क्वेश्चन यह आंसर कभी भी सही नहीं होगा क्यों जब आदमी का काम होता था तो वहाँ पे यह सही होता था क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे देखिए हम तीन दिन में हमारा काम कितना हो रहा है दो दिन में हमारा काम आठ यूनिट हो रहा है छः दो आठ लेकिन तीन दिन में हमारा काम कितना हो रहा है पाँच यूनिट यानी तीसरे दिन हम जाएंगे तो घट जाएगा तो हमको चौवन हमको नब्बे यूनिट निकालना है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि सत, सत्रह का अगर हम गुड़ा कर दे सत्रह दिन में कितना काम होगा अलग से एक दूसरे पेज पर समझते हैं देखिए क्या है हमको टोटल नब्बे यूनिट पानी भरना है ठीक है हमको पता है पहली पाइप छः मिनट में छः एक मिनट में छः लीटर का मान लें दूसरी दो दो और तीसरी पाइप जो है माइनस तीन निकाल देती है इतना हमको पता है ठीक है हमने बोला कि अगर हम शुरुआत के तीन मिनट में देख लें तो ये कितना भर देंगे छः दो आठ माइनस पाँच यानी पाँच यानी शुरुआत के तीन मिनट में पाँच यूनिट पानी भरा जाएगा अब मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए मान लेते हैं हम सत्तर दिन तक जाते हैं सत्रह पचे पचासी यूनिट पानी भरा जा चुका है तो चूँकि हम इसको एक मान के चलना है तीन दिनों को तो सत्रह टाइम इसका भी कर देंगे ये कितना हो गया इक्यावन दिन या इक्यावन मिनट सॉरी यानी इक्यावन मिनट में हमारा पचासी यूनिट पानी भरा जाएगा अब देखो क्या होता है इक्यावन दिन हो गया ना अब अगले दिन अभी कितना काम बचा है बचा कितना है पाँच यूनिट पाँच यूनिट बचा है क्योंकि हमको टोटल कितना करना है नब्बे पचासी हो चुका है तो पाँच यूनिट बचा है अब यह काम अकेले छः नहीं कर देगा पूरा क्योंकि छः की क्षमता क्या है सॉरी बी पाइप पीवन की क्षमता चम, जो छः है केवल भरना उसको कितना है पाँच यूनिट तो वह तो एक ही मिनट में भर देगा यानी एक मिनट के अंदर भर देगा तो पाँच बटा छः मिनट में ही वह पाइप पूरी भर देगा लेकिन अगर अब हम इसको तीनों को अगर एक में कर देते हैं तो तीनों को अगर एक में कर देंगे तो कितना हो जाएगा छः दो आठ यानी पाँच यूनिट तो यहाँ पर पाँच यूनिट हो जाएगा ये तब तो आप कहोगे तीन यानी दो दिन आप क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो इक्यावन बावन तिरपन कर दे रहे हो ठीक है तो अठारह पच्चीस नब्बे आप कर दे रहे हो तो यानी अट्ठारह तीन चौवन तीन दिन आप क्या कर रहे हो इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दे जबकि तीन दिन की जरूरत नहीं होगी यानी जब पाइप ए आएगा अगर हम इसको ए बी सी था तो ए पाइप ही उसको भर देगा यानी हमको बी और सी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो इसमें थोड़ा सावधानी दिया करिए जैसे वहां पर हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या करते थे सीधा जहाँ पे आदमियों को जोड़ता है कि ए बी सी प्लस तो वे क्या कर रहे हैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी प्लस हो रहा है वो काम को कम नहीं कर रहे हैं जबकि यहाँ पे क्या अगर उसमें भी ऐसा होता कि ए और बी काम को बना देते हैं लेकिन सी आके काम उनका कि इतना ख़राब कर दिया इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लागू होगा तो आप कभी भी एकदम एप्सोल्यूट वैल्यू मत निकाला करिए कि पाँच यूनिट काम हो रहा था हमको अट्ठारह करना तो अट्ठारह पच्चे नब्बे कर देंगे सीधा अट्ठारह दिन चौवन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमको पहले कर देते सत्तर दिन सत्तर दिन क्या यानी सत्रह पचे पचासी यूनिट काम हो चुका पाँच बचा है पाँच बचे तो पाँच यूनिट को क्या है ए पाँच बटा अच्छा छः दिन में काम कर देगा तो पूरा काम कितना समय लगा इक्यावन दिन इधर प्लस पाँच बटा अच्छा छः दिन इधर यानी इक्यावन सही पाँच बटा छः कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा पहला ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है इसको एक बार समझ लेना फिर से रिवाइज कर लेना सत्तासी दिया एक नल एक टैंक को चालीस घंटे में भर सकता है नल बी उसी को पचास घंटों में टैंक भरने के बाद लेकिन दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है कितनी देर के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक पच्चीस घंटों में भर जाए देखो ए क्या है चालीस घंटे में बी पचास घंटों में ठीक है हमने एल ले लिया दो सौ पाँच रेशियो चार अब हमसे दिया कितन अब दिया है कि कितनी देर के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक पच्चीस घंटे में भर जाए तो 200 यूनिट पूरा भरना है हम मान लेते हैं कि टी समय बाद क्या होता है नल ए को बंद कर हैं तो टी समय के लिए नल ए पाँच टी पानी भर देगा उसके बाद 25 घंटे तक पूरा क्या है कितनी देर बाद नल को ताकि पच्चीस घंटों में टैंक भर जाए तो पच्चीस घंटे तक पूरा टैंक बी तो खुला ही रहा तो टी बराबर कितना हो गया आप यहाँ से पच्चीस सौ को सौ सौ कर दोगे यानी बीस तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बीस घंटा बीस घंटे तक के लिए नल ए खुला था दो पाइप क्रमशः पंद्रह मिनट और बारह मिनट में पानी की टंकी को भर सकते हैं और एक अपशिष्ट पाइप बारह बाईस गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है अगर सभी तीनों पाइप को एक साथ खोले जाने पर टंकी बीस मिनट में भर जाता है तो पानी तो पानी की टंकी की क्षमता है देखो आसान क्वेश्चन है हम कहते हैं एक पाइप ए है जो पंद्रह मिनट में पाइप बी जो बारह मिनट में और तीनों को अगर हम खोल दें जो एक बी और एक पान पाइप सी है जो पानी क्या कर दें निकाल सकती है कितना बाईस गैलन पर मिनट से हो तो टंकी कितने मिनट भर जाती है अगर तीनों खोलते बीस मिनट में एलसीयम ले लिया आपने ठीक है एक सेकेंड ये हो जाएगा बीस एल ले लीजिए साठ इफ़िशेंसी का रेशिया निकाल लेंगे तो पंद्रह चौक साठ बारह पन्ज साठ बीस तीन या साठ ठीक है अब दिया हुआ है कि अगर सभी तीन पाइप एक साथ खोले जाने पर पर खाली टैंक 20 मिनट में भर जाता है कितना 20 मिनट में भर जाता है ठीक है तो पूछ रहा है कि कि पानी की टंकी की क्षमता ज्ञात याद करें तो देखो ए का जो ए की इफ़िशंसी कितना है पाँच बी की इफ़िशेंसी कितना है सॉरी की इफिशियंसी चार है बी का पाँच है पाँच चार नौ और इन तीनों का मिला गया कितना है केवल तीन है तो जो इनकी क्षमता नौ है नौ से क्षमता तीन हो जा रही है तो इसका मतलब कहोगे कि सी की जो क्षमता है वो कितना है माइनस सिक्स है तभी तो देखो चार प्लस पाँच प्लस माइनस सिक्स कर दोगे तभी इनकी क्षमता कितना तीन इफिशेंसी आएगा ना यहाँ से आप सीधा यहाँ से कर सकते हो इक्कीसमेंट रख दो चार प्लस पाँच प्लस, प्लस, प्लस सी बराबर कितना तीन इनकी क्षमता है इसकी क्षमता इतना है तो सी की क्षमता कितना हुई माइनस छः क्षमता माइनस छः है तो यह पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है पूरी टंकी साठ है तो माइनस सिक्स यानी पूरे दस मिनट में यह क्या कर सकती है पूरी टंकी को खाली कर सकती है और इसकी वैल्यू दिया हुआ कि यह एक मिनट में बाईस गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है तो पूरी टंकी को अगर यह दस मिनट में खाली कर दे तो और एक मिनट में बाईस लीटर पानी निकालती है तो कितना पानी की कितना टंकी में पानी रहा होगा दो सौ बीस गैलन कौन सा ऑप्शन सी यह भी अच्छा क्वेश्चन है इसे भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एट्टी नाइन पाइप एक्स वाई अकेले क्रमशः तीस पैंतालीस घंटे में पूरी तरह से एक टैंक को भर सकते हैं यदि पाइप एक्स वाई जेड के साथ बारी बारी से एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक पंद्रह घंटे में सत्तर प्रतिशत भर जाता है टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए पाइप जेड द्वारा लिया गया समय कितना है यदि इसकी क्षमता में पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है अच्छा क्वेश्चन है तो यक्स कितना समय लेता है तीस यक्स तीस घंटा और वाई पैंतालीस घंटा इन दोनों का एल सी एम नब्बे तीस यही नब्बे और पंद्रह पैंतालीस गुना नब्बे यानी इनका रेशो कितना हो गया तीन अनपाते दो अब क्वेश्चन दिया है कि यदि पाइप यक्स और वाई जेड के साथ बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं यानी यक्स एक बार यक्स जेड जेड के साथ और दूसरी बार वाई जेड के साथ एक एक घंटे के लिए बारी बारी खोले जाते हैं या ना एक और वाई जेड के साथ यानी एक बार एक प्लस जेड एक बार यक्स और जेड खोला जाता है एक साथ में पाइप दूसरी बार में वाई और जेड कितना एक एक घंटे के लिए कब तक पंद्रह घंटे में टैक्स टैंक पंद्रह तो टैंक पंद्रह घंटे में सत्तर प्रतिशत भर जाता है पंद्रह घंटा में टैंक कितना सत्तर परसेंट यानी पूरा टैंक हमने यूनिट कितना मान लिया नब्बे तो नब्बे का सत्तर परसेंट अब एक एक घंटे के लिए अगर खोला जाएगा तो देखो पहले इसमें यक्स खोलते हैं तो पहले येक्स होगा ठीक है एक प्लस जेड उसके बाद वाई जेड उसके बाद फिर एक जेड फिर वाई जेड इस प्रकार से जब अगर पंद्रह बार खोलोगे तो यक्स की वैल्यू क्या होगी एक ज़्यादा होगी ऐसा नहीं है कि आधा आधा आएगा साढ़े सात साढ़े सात साढ़े सात क्यों क्योंकि देखो अगर जैसे तीन बार मान लेते हम हैं, खोलते हैं तो तीन बार के लिए खोलते हैं तो जो वैल्यू पहले जो पहले खोला जाएगा उसको क्या होगा एक हमेशा ज़्यादा आएगा और ये एक हमेशा कम आएगा दूसरे प्रकार जब हम पंद्रह बार इसको खोलेंगे तो यक्स और जेड की वैल्यू जो आएगी वह आठ बार आएगी वह आठ बार और वाई और जेड की वैल्यू जो आएगी वह सात बार आएगी ठीक है बेसिक सा लॉजिक है यही आपको समझना है कि देखो अगर हम कहें कि अगर यक्स और वाई को ठीक है अल्टरनेट पे हम चार बार छः बार खोलते हैं तो एक बार यक्स वाई यक्स वाई एक्स वाई, वाई तो अगर आपसे पूछा जाए कि देखो यहाँ पे अगर नंबर सम होगा नंबर इवेन होगा तो ये दोनों क्या होंगे बराबर बराबर आएंगे एक दो तीन लेकिन अगर अभी ही नंबर आठ हो नंबर अगर आठ हो सात मान लेते हैं तो अब एक बार क्या हो जाएगा यक्स <coughs> एक, एक बार और आ जाएगा तो यक्स क्या होगा एक बार ज़्यादा होगा देखो एक दो तीन चार तो इसको क्या करते हैं सात का हमेशा आधा कर देते हैं साढ़े तीन होगा तो एक नंबर को बढ़ा देते हैं जो पहली बार आता है उसको चार करते हैं और एक नंबर को कम कर देते हैं तीन ठीक है तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर क्या है आठ दिया हुआ है ठीक है और एकस को कोस और जेड के पेयर को पहले खोला जाता है तो यानी और जेड कितना पंद्रह बार आएगा अरे आठ बार आएगा क्योंकि साढ़े सात कर दोगे तो एक ज़्यादा कर देंगे तो आठ हो जाएगा और वाई जेड एक कम कर देंगे कितनी बार सात बार आएगा इस प्रकार वे क्या करते हैं पंद्रह घंटों में ठीक है पंद्रह घंटों में सत्तर प्रतिशत भर जाता है टैंक कितना सत्तर परसेंट भर जाता है तो नब्बे पूरा टैंक हमने माना इसका सत्तर यूनिट भर जाता है साल कर दीजिए यक्स का हमको क्या पता है इफ़िशंसी पता है वाई का भी पता है यहाँ पे जेड है तो तीन प्लस जेड इंटू आठ दो प्लस जेड इंटू सेवन बराबर में जीरो से जीरो काट देंगे नौ सौ तक तिरसठ देखो साल्व कर देते हैं आठ जेड और यहाँ पे सात जेड पंद्रह प्लस आठ त्रिक चौबीस सात दूनी चौबीस अड़तीस बराबर में कितना तिरसठ तो जेड बराबर कितना पच्चीस बटा में पंद्रह यानी पाँच बटा तीन यूनिट यानी हमको जेड की जो एफिशिएंसी मिल गई वो कितना है पाँच बटा तीन यूनिट अब क्या पूछा है तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए पाइप जेड द्वारा लिया गया समय कितना है यदि इसकी क्षमता में पचास प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो देखो जेड की जो क्षमता अभी कितना है पाँच बटा तीन तो पचास परसेंट की वृद्धि मतलब तीन बटा दो कर दिया जाए ठीक है तो पूरा टैंक को भरने में कितना समय लगा नब्बे है अभी क्षमता कितना होगी पाँच बटा दो तो इसे काट देंगे अट्ठारह पच्चीस नब्बे अट्ठारह धुनी छत्तीस तो कितना कौन सा आंसर होगा इसमें देखो मैंने ऑप्शन भूल गया देने इसका आंसर आएगा छत्तीस घंटा यहाँ पर लिख देते हैं छत्तीस घंटा ठीक है ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें बस कल ये आपको समझना होगा अगर पंद्रह घंटे के लिए खोला जाता है पहले पाइप को एक्स खोला जाता है तो यह पाइप हमेशा एक घंटे क्या होगी एक सम एक ज़्यादा यह यूनिट होगी और यह यूनिट एक कम होगी लेकिन अगर यहाँ पे सोलह घंटा होता तो ये आठ हो जाता है ये आठ हो जाता या चौदह होता तो ये सात होता है सात होता ठीक है और अगर यहाँ पे सत्रह होता तो तो सत्रह का हम आधा कर देते सत्रह का आधा साढ़े आठ यानी एक नौ होता एक आठ होता अगला क्वेश्चन दो पाइप ए और बी किसी टंकी को से इतना इतना मिनट में भरते हैं तीसरा पाइप सी टंकी को एक घंटे में खाली कर सकता है यदि टंकी खाली हो तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा देखो ए बी और सी यह 20 मिनट में खाली भर देता है यह 30 मिनट में और यह टंकी को क्या करता है एक घंटे यानी 60 मिनट में पूरी तरह से खाली कर देता है तो 60 हमने एलसीएम ले लिया इनकी इफिशेंसी कितना हो जाएगी कि? तीन दो और इसका माइनस वन तो हमसे पूछा है कि यदि तीनों टंकी यदि टंकी खाली हो तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा अगर तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो इफ़िशेंसी कितना हो जाएगा तीन दो पाँच में से एक गया चार तो चार इनकी इफिशियंसी हो जाएगी एक साथ में अब पूरा काम कितना साठ करना है तो कितना पंद्रह मिनट में ठीक है अगला क्वेश्चन दो पाइप टंकी को कम से कम तीस और बीस मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों के साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी तो तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर लेना बारह मिनट आएगा बानवे एक जलाशय है दो पाइप क्रमशः इतना इतना मिनट में अलग अलग, अलग अलग भर सकते थे उन्हें एक साथ खोला जाए तो जलाशय कितने मिनट में भर जाएगा तो देख लो इसका सी एंसर आएगा कर लेना तिरानवे पचहत्तर लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में एक प्रवेश का और एक निकासी नल है यानी एक पानी भरने वाला और एक पानी निकालने वाला नली लगा है अगर दोनों को एक साथ खोला जाता तो कंटेनर पाँच मिनट में भर जाता है अगर निकासी नली के प्रवाह की दर दोगुना कर दी गई है और दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया गया है तो कंटेनर भरने का समय तीन गुना हो जाता है जब केवल प्रवेशिका नली खोली गई है तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगेगा अच्छा क्वेश्चन देखो तो मान लेते हैं कि जो पहली नली जो पानी भरने वाली है वो एक मिनट में क्या है कंटेनर भर देती है हमने अपने से एज्यूम कर लिया क्योंकि हमको दिया नहीं है कुछ क्वेश्चन में तो हम कहते हैं जो प्रवेशिका नली है वो एक मिनट में टंकी को भर देती है और जो निकासी नली है वह वाई मिनट में क्या है टंकी को पूरा खाली कर देती है तो हमको पहला कंडीशन दिया हुआ कि इन दोनों के अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना पाँच मिनट में भर जाती है यानी एक मिनट का, का काम कितना होगा इनका वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई बराबर में एक बेटा पाँच ये तो बिल्कुल बेसिक सा इक्वेशन है आप जानते होंगे कि जैसे देखो अगर एक मिनट में पूरी टंकी भर देती थी उनका एक मिनट में इसके द्वारा किया गया क्या एक होगा वह वाई मिनट में पूरी टंकी को भर देते थे एक मिनट में किया गया क्या वाई है और दोनों मिलकर पाँच मिनट में पूरी टंकी भर देते हैं तो एक मिनट में कितना भरेंगे एक मिनट में इनके द्वारा किया गया कार्य एक बटा पाँच चूंकि यह भर रहा है और यह निकाल रहा है तो क्या होगा हम नेगेटिव कर देंगे साइन से अगर दोनों भरते तो प्लस हो जाता एक इक्वेशन है ये आपका हो गया दूसरा दिया हुआ है कि यदि निकासी नल की प्रवाह दोगुनी कर दी जाए यानी वाई की जो वैल्यू अब क्या कर दी जाए दो गुना हो जाए ठीक है तो अब जो निकासी नल का समय अगर निकासी नल की जो दर है उसको अगर हम दोगुना कर देंगे तो समय क्या हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा भाई अगर किसी काम को हम दस दिन में कर देते थे और भाई हमारी कार्य क्षमता डबल हो जाए तो हम उसी काम को क्या करेंगे पाँच दिन में ही कर देंगे तो अब यहाँ पे वाई टू हो जाएगा तो बोला कि दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया जाए तो कंटेनर भरने में अब समय जो है तीन गुना हो जाता है तो देखिए एक बट्टा वाई अपान में वाई बाई टू बराबर समय भी कितना हो जाता तीन गुना पहले पाँच मिनट लगता था अब पंद्रह मिनट लगता है तो साल करिए एक बटा एक माइनस टू दो ऊपर चला गया दो बाई वाई इक्व टू वन बाई फिफ्टीन अब दो इक्वेशन यहाँ से ठीक है देखो पहला इक्वेशन यहाँ पर और दूसरा यहाँ पे सीधा इनको घटा दें तो देखो यहाँ पे लिखो एक बटा एक माइनस एक बटा वाई बराबर एक बटा पंद्रह एक बटा एक माइनस एक बटा टू बाई वाई बराबर में एक बटा पंद्रह और यहाँ पे पाँच है घटा देते हैं सीधा एक कट जाएगा तो, तो, तो ये कितना टू बाई वाई माइनस वन बाई वाई यानी वन बाई वाई और एक बटा पंद्रह एक बटा पाँच से एक बटा पंद्रह घटाना है तो पंद्रह एल सी हो जाएगा तीन व से दो यानी दो बटा पंद्रह यानी हमको यहाँ से वाई की वैल्यू कितना मिल गई वाई की वैल्यू आई पंद्रह बटा दो तो एक्स की वैल्यू निकल कितना होगी तो हमसे पूछा जब प्रवेशिका नली खोली गई तो कंटेनर भरने में कितना समय लगेगा जब केवल यानी x की वैल्यू हमको निकालनी थी ठीक है तो आप ये ना करके आप दो से गुणा करके सीधा x निकाल लेते x की वैल्यू हमको पूछा है खैर इसमें अरे रख देते थे एक बटा एक माइनस एक बटा पंद्रह बटा में दो बराबर में एक बटा पाँच तो एक बटा एक माइनस दो बटा में पंद्रह बराबर एक बटा पाँच सॉल्व करिए तो एक बटा पाँच और दो बटा पंद्रह तो छः एक गया पाँच एक बटा तीन ती एक्स की वैल्यू कितना आएगी तीन मिनट कौन सा आंसर बी देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल इसको बेसिक से ही करोगे आप क्योंकि हमको इसमें कुछ दिया नहीं तो हम यहाँ सेल्सियम वगैरह करके निकाल नहीं पाएंगे तो सीधा इस तरह से करते हैं अगला क्वेश्चन तीन पाइप पी क्यू आर क्रमश इतने इतने मिनट में भर सकते हैं शुरुआत में पात्र खाली पी सुबह नौ बज के इकतालीस मिनट में खोला गया आठ मिनट बाद पाइप क्यू खोला गया क्यू खोलने के बाद सुबह ठीक दस बजे तक पात्र भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए क्या है कि पी क्यू एंड आर थर्टी एट फोर्टी फोर ट्वेंटी एट मिनट में क्रमशः किसी पाइप को भर देते हैं ठीक है अगर हम इसको एलसीएम से करेंगे तो ये फिर टफ हो जाएगा और इसका एलसीएम बहुत बड़ा नंबर आएगा अब देखो थोड़ा इसको स्मार्ट तरीके से करते हैं क्या दिया हुआ इसमें इस स्मार्ट का मतलब बिल्कुल बेसिक तरीका है लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब हमको इससे करना है कब बेसिक से करना है हमको दिया है कि नौ बज के इकतालीस मिनट पर पात्र क्या है खोला जाता पाइप अब 10 मिनट तक हमको 10 बजे तक टंकी को क्या करना है भर देना पूरा तो इनके बीच में कितना गैप हुआ 19 मिनट का ठीक है अब पाइप पी क्या पूरे 38 मिनट में भर देती है तो पाइप एक मिनट में कितना भर देगी एक बट्टा अड़तीस तो उन्नीस मिनट में कितना भरेगी तो आप उन्नीस गुड़े एक बट्टा में अड़तीस ठीक तो कितना यानी पाइप पी ने केवल अकेले पाइप पी ने ही पूरा एक बटा दो भाग भर दिया था टंकी का अब शेष भाग एक बटा दो कैसे भरा गया देखो उसके आठ मिनट बाद पाइप क्यू को खोला गया तो आठ मिनट बाद उन्नीस के आठ मिनट मतलब अंतर निकालोगे तो ग्यारह तो ग्यारह मिनट तक क्या है पाइप क्यू खुला रहा तो हमको पता एक ज ज लुक लुक मिनट में क्यू कितना चवालीस भरता है तो ग्यारह मिनट में कितना भरेगा क्यों बोलोगे ग्यारह मिनट में एक बटा चवालीस ग्यारह यानी एक बटा चार भाग भर देगा तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या है कि क्यू ने एक बटा चार भाग भर दिया है यानी पी ने केवल अकेले एक बटा दो भाग भर दिया था तो शेष काम कितना बचा था एक बटा दो था जिसमें से एक बटा चार यानी इसका भी आधा इसका भी आधा क्यू ने कितना एक बटा चार भर दिया तो अब कितना बचा केवल शेष काम कितना बचा होगा एक बटा चार बच के ही तभी तो एक बटा दो होगा और एक दो बटा दो एक बटा दो यानी एक यूनिट पूरा काम होगा यानी अब काम कितना बचा एक बट्टा चार किसको भरना है इसे आर को भरना है अब यही पूछा जा रहा है कि आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए जिससे ठीक आर मतलब क्या है? दस बजे तक पाइप पूरी भर जाए तो हमको पता है कि आर पूरा टंकी को भरता है अट्ठाईस मिनट में यानी अट्ठाईस मिनट में यह पूरे टंकी के एक भाग यानी पूरे भाग को भर देता है तो हमसे पूछा जा रहा है एक बटा चार भाग को भरने में इसको कितना समय लगेगा गुड़ा कर दीजिए अट्ठाईस गुड़े एक बटा चार यानी कितना सात मिनट ठीक है और देखिए इसमें दिया कि पाइप सुबह नौ बजे खुला गया और आठ मिनट बाद पाइप क्यों खोला गया तो टोटल कितना यानी आठ मिनट के बाद खोला गया है पाइप क्यू उसके बाद उसके बाद कहीं जाके आर खोला गया पाइप क्यू खुलने के, के बाद सुबह ठीक आ दस बजे तक पात्र भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए तो टोटल समय कितना लगा था उन्नीस मिनट नौ बज के इकतालीस मिनट पे टंकी खोली गई और दस बजे टंकी पूरी भर गई पूरा समय कितना लगा था उन्नीस मिनट लेकिन क्या था शुरुआत में क्यों आठ मिनट अकेले कौन था केवल ए खोला पी खोला गया था उसके बाद क्यू एंड आर को खोला गया था क्यू और आर को खोला गया था तो क्यों R कितना मिनट पूरा खुला रहा आप कहोगे 11 मिनट लेकिन R को क्या हुआ 11 मिनट पे नहीं खुला गया था R को जो पूरे केवल 7 मिनट तक के लिए खुला गया था तो लास्ट से अगर हम देखें 7 मिनट तक के लिए तो यानी यहाँ से कितना होगा 4 मिनट बाद खुला गया होगा 8 मिनट तक तो ए था उसके बाद चार मिनट बाद चार मिनट के बाद क्या आर को खोला गया और यानी पूरा पी ने पूरा समय लिया कितना 19 मिनट Q ने पूरा समय लिया खोला गया था ग्यारह मिनट के लिए और पी को आर को पूरे कितने समय तक के लिए खोला गया था आठ सात मिनट के लिए तो आठ मिनट तक ए अकेला शुरुआत में भरता रहा उसके बाद पी खोला गया क्यू खोला गया उसके चार मिनट बाद क्या आर खोला गया तो कौन सा ऑप्शन होगा चौरानबे का बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक टंकी पी एक टंकी तीन पाइप पी क्यू आर पी केवल पाँच घंटे में क्यों छः घंटों में और आर इसे दस घंटों में अच्छा खाली कर सकता है तो आर क्या दस घंटे में खाली कर सकता है तो पूछा है कि इन पाइपों को क्रमशः से कम पाँच छः सात आठ बजे खोला जाता है और इसी क्रम में हर पाइपों को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी को टंकी किस समय में भर जाएगी ठीक है देखो यहाँ पे क्या एल्शियम आप ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे एल्शियम लेना ईजी है हम क्या ले लेंगे तीस तो यह छः पाँच और माइनस तीन टोटल काम कितना तीस मिनट करना है तो देखो छः बजे सात बजे आठ बजे फिर अगला नौ दस ग्यारह तो पहले P को खोला जाता है फिर पाँच को मतलब बी क्यू को फिर R को फिर P को खोला जाएगा पाँच फिर क्यू को फिर आर को इस तरह से देखा जाए कि पहले तीन घंटे में कितना पानी भरा जाएगा तो छः पाँच ग्यारह और तीन घटा दोगे आठ यानी आठ यूनिट पानी भरा जाएगा ठीक है आठ यूनिट पानी कितने तीन घंटे में भरा जा रहा है ठीक तो हम कहेंगे कि देखो तीन अगर हम यहां से कर देंगे आठ तारीख चौबीस ठीक है 24 क्यों कर रहे हैं क्योंकि छः हम छोड़ दे रहे हैं देखो जब भी निकालने का समय आप सीधा कभी भी मत किया करिए क्योंकि यहाँ पे छः यूनिट भर जाएगा अगर एक देखा जाए तो छः भर देगा दो मिलकर बारह भर देंगे लेकिन अगर तीनों को कंक्लूड कर देंगे तो वह कितना हो जाएगा केवल आठ हो जाता है तो फिर हम क्या अपने आप से ही उसको कम कर रहे हैं ठीक है हम तीन घंटे देखते हैं तीन अगर इसे पेयर बनाते तो आठ से चौबीस यहाँ पे कितना हो जाएगा तीन घंटा इसमें भी कर देते हैं तो नौ घंटे तो बीत चुके हैं अभी चौबीस यूनिट पानी भरा जा चुका है कितना बचा है छः यूनिट अब किसकी बारी आएगी छः पी की तो पी एक घंटे में छः यूनिट भर देगा तो कितना टोटल समय हो जाएगा दस घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी तो दस घंटे अच्छा तो फिर समय पूछा तो छः बजे खोला गया था तो दस घंटा लगा छः छः बारह फिर चार शाम चार बजे तक पूरी टंकी भर जाएगी नाइन्टी सिक्स एक टंकी में एक रिशा हुआ जो सोलह घंटों में खाली कर सक कर देगा एक नल खोला जाता है जिसे एक मिनट में बारह लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी चौबीस घंटों में खाली होती है तो टंकी की क्षमता कितने लीटर है देखो कोई टंकी है जिसमें एक रिसाव वाला नल लगा हुआ है जो क्या करता है सोलह घंटों में टंकी खाली कर देता है और अगर एक प्रवेशिका प्रवेश करने का और एक रिसाव वाला लगा दिया जाए तो अब टंकी जो खाली होती है वह कितने चौबीस घंटों में खाली होती है और वह क्या बारह मिनट में एक मिनट में बारह लीटर पानी भरता है तो देख लेते हैं दोनों माइनस से ही एक तरह समझ लीजिए खाली हो जा रही टंकी तो सोलह चौबीस एक सौ तो नौ यूनिट और यहाँ पे कितना चौबीस छक्का एक सौ ठीक यानी यह नौ मिनट में खाली कर देगा और यह छः मिनट में इसकी क्षमता छः यूनिट माइनस माइनस में तो देखो हमको दिया प्रवेश का और रिसाव की जो क्षमता कितना माइनस सिक्स है ठीक है प्रवेश का हमको निकालना आप पता हमको जो रिसाव वाली है उसकी क्षमता कितना माइनस नाइन है ठीक है इसको छह, है तो पी यहाँ से कर दोगे तो कितना जाएगा सीधा अगर आपको ये सिंबल्स में दिक्कत हो रहा था, आप इसको हटा दे रहे सीधा आप लिखो ठीक है आप सीधा लिखो कि प्रवेशिका प्लस रिसाव इनकी जो क्षमता कितना है छः अकेल रिसाव की क्षमता कितना है नौ तो ठीक है प्रवेशिका की क्षमता कितना हो जाएगी यहाँ से घटा देंगे माइनस तीन तो माइनस तीन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे माइनस नहीं लिए हैं ठीक है यानी इसकी जो क्षमता होगी तीन होगी देखो भाई ये अकेले नौ मिनट में खाली कर सकता था अब क्या छः मिनट में खाली करता है यानी तीन मिनट इसका समय कम हो गया क्यों क्योंकि तीन मिनट तीन क्षमता जो बढ़ गई जो प्रवेश का इसमें हुआ तो आपको इस तरह से सीधा देख इससे ऐसे भी सीधा देख सकते हो तो हमको दिया है कि तीन मिनट में यह क्या है इसकी क्षमता तीन हो गई प्रवेश का करने भरने वाली जो नली है तो पूरा एक सौ चौवालीस है तो तीन मिनट के हिसाब से कितने मिनट में भर देगी चार तीन बारह तीन चौका बारह तीन चौका तीन चौका बारह दो तीन अट्ठे चौबीस अड़तालीस मिनट लगेगा इसको भरने में और हमको पता एक मिनट में यह बारह लीटर पानी प्रवेश करता तो अड़तालीस मिनट में कितना होगा बारह अट्ठे छियानवे और बारह ठिबे अच्छा यहाँ पर क्या है कि ये घंटे में था ये वैल्यू घंटे में है मैंने में तो ये भी घंटा में आएगा तो इसको हम मिनट में करेंगे तो साठ से गुड़ा कर देंगे ठीक है कोई बात नहीं तो देखो एक जीरो तो हो जाएगा अब यूनिट डिजिट से देखें कोई आंसर मैच करता है तो आठ दूनी सोलह छः और छः का छः में गुड़ा करेंगे तो लास्ट में छः आएगा तो कौन सा हो जाएगा छानबे का हमारा डी तो सीधा हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन 425 लीटर की एक कंटेनर को दो पाइप के जरिए रसायनों से भरा गया यह तो क्वेश्चन हो चुका है सिमिलर क्वेश्चन पीछे आ चुका है 425 वाला इसमें कितना आंसर आया था इसमें सी आएगा पंद्रह घंटा यही सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव भी है क्वेश्चन नंबर पाँच हमने करवाया है अच्छा देखो ये 2017 में हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो मैं देख दे रहा हूँ दिखा दे रहा हूँ आपको पाँचवां क्वेश्चन भी यही था देखिए पाँचवां क्वेश्चन है ये इसको पहले वीडियो में मैंने बता दिया है और इसमें भी आंसर कितना पंद्रह घंटा आया था ठीक है तो फिर इस क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है यानी क्वेश्चन नंबर पाँच और क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन सामान है दोनों दो हज़ार सत्रह के आए हुए हैं तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है अच्छा जो मैं इस बुक किस बुक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ यह एक्सीड की बुक है आप उसको ले लीजिएगा या आपको जो भी मार्केट में मिले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा ठीक अगला क्वेश्चन 98 एक टंकी को एक नली में से चार घंटों में भरा जा सकता है किंतु रिसाव के कारण टंकी को भरने में दो घंटे का अतिरिक्त समय लगता है रिसाव के कारण टंकी पूरी तरह खाली होने में कितने घंटे लगेंगे देखो कोई अगर नली लगे हो अगर वह केवल चार घंटे में भर जाती लेकिन अगर इसके साथ एक रिसाव की टंकी लग जाए तो यह कितना समय लगता है दो घंटे अतिरिक्त यानी अब छः घंटा लगता है तो अगर हम पूरा यूनिट मान लें बारह यूनिट तो ये तीन और ये दो यानी भरना तो चाहिए तीन में लेकिन भर क्यों दो में जा रहा है यानी भरने वाली टंकी का जो क्षमता है तीन है लेकिन जब उसके साथ रिसाव वाली क्षमता जुड़ी जा रही है तो वह क्या हो रहा है तो दो हो जा रहा है यानी इसका मतलब क्या है वह उसका जो इफिशियंसी माइनस वन होगा तभी जुड़ने के बाद क्या हो रहा है तीन में अगर माइनस वन जुड़ोगे तो दो हो जा रहा है तो अगर एक एक उसकी क्षमता है मतलब एक इफिशियंसी है तो बारह यूनिट अगर उसको पूरा खाली करना हो तो कितने कितने मिनट में खाली कर देगी बारह मिनट में तो यहाँ पे क्या है अच्छा घंटा है तो घंटे में कर देगी तो बारह घंटा ठीक है अगला क्वेश्चन पानी में पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार सोलह दशमलव पाँच किलोग्राम है जब यह पात्र चार दशमलव पाँच भरा होता है तब उसका पाँच दशमलव भार पाँच दशमलव दो ग्राम किलोग्राम हो जाता है खाली पात्र का भार है फिर से पढ़ लेते हैं करा कि जब पानी में पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार कितना है सोलह दशमलव पाँच किलोग्राम जब यह पात्र एक दशमलव चार बटा एक बटा चार भरा होता है तब उसका भार पाँच दशमलव दो पाँच किलोग्राम होता है खाली पात्र का भार होगा देखो क्या है कि कोई एक बर्तन है मान लीजिए ना जब यह पूरी तरह से भरा हो यानी इसमें पूरा पानी भरा हुआ हो तब इसका जो वजन होता है वह सोलह दशमलव पाँच ग्राम तो ये सोलह दशमलव पाँच किलोग्राम क्या होगा इसमें कुछ पानी का वजन होगा ठीक है और प्लस बर्तन का वजन रहा होगा मिलाकर कितना सोलह दशमलव पाँच के जी होगा दूसरी कंडीशन दिया हुआ है कि जब यह बर्तन एक बटा चार भाग भरा हो केवल चौथाई हिस्सा है चौथाई हिस्सा भरा हो तो अब क्या होता है यानी पानी अब केवल एक बटा चार हिस्से तक भरा हो और बर्तन का कुछ वज़न होगा तो अब इसका वज़न कितना हो जा रहा है पाँच दशमलव दो पाँच तो हमसे पूछा जा रहा है कि बर्तन का वज़न यानी खाली पात्र का केवल वज़न कितना होगा तो अगर हम पानी के भार को यक्स मान लें बर्तन के भार को वाई मान लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा देखो यक्स प्लस वाई बराबर कितना है सोलह दशमलव पाँच और दूसरे में यक्स क्या हो जाता हमारा पानी तो वही रहता हमारा चार प्लस वाई बराबर कितना पाँच दस साल्व कर देते हैं इसको एक्स प्लस ठीक अब यहाँ से हम क्या करें एक्स निकाल देते हैं एक एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस तीन वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस में इक्कीस देखो इक्कीस माइनस है तो माइनस और प्लस सोलह सोलह पाँच घटा देते हैं तो पाँच में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चार दशमलव पाँच होगा तो वाई बराबर यहाँ से कितना आ गया एक दशमलव पाँच के जी तो हमको पूछा क्या है कि खाली पात्र का भार कितना होगा तो खाली पात्र का भार बर्तन का भार हमने वाई माना है तो कितना होगा तो एक दशमलव पाँच के जी कौन सा आंसर सी अगला अच्छा यही क्वेश्चन लास्ट निन्यानवे निन्यानवे हो गया तो देखो इस प्रकार से टोटल पूरे हमने इस वीडियो में इकतीस से लेकर नई क्वेश्चन कवर कर दिया इस प्रकार से आपका वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा पार्ट वन करके चैनल पे है जाके देख लें अब जो आपका अगला टॉपिक होगा वह होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ठीक है एस टी डी देखो जब ये कोई वीडियो आप देखना शुरू करें जैसे मान लीजिए यही वर्क एंड टाइम का ही वीडियो था तो एक बार क्या आप जहाँ से भी पढ़े हो अपने जो भी नोट्स बनाए हो या जो बुक है एक बार उसे रिवाइज हो, हो लिया करिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन साल्व तेज़ी से करा रहे हो तो उस समय आपको ऐसा ना हो कि आपको बेसिक ना आता हो तो फिर आपको फिर दिक्कत हो क्वेश्चन साल्व करने में एक बार अगर आपका बेसिक जानते रहेंगे फिर मैं जब क्वेश्चन कराता रहूँगा तो आपको समझ में भी आएगा अच्छी तरह से और आप तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे तो जैसे अभी यही नब्बे क्वेश्चन है निन्यानवे क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व करते तो आपको ये दो दिन तीन दिन लग जाएगा पता चला तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि रेगुलर्टरी नहीं बन पाती और आप इसके मेरे साथ करेंगे यानी क्वेश्चन को देखते हुए वीडियो के साथ में रहेंगे तो आप तीन घंटे में लगभग ढाई से तीन घंटे में पूरा क्या होगा निन्यानवे क्वेश्चन आप कवर कर ले जाओगे ठीक है तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें